सर मोहित सर को थोड़ा सा अनम्यूट कर दिया जाए, चर्चा पर जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि इन 5 दिवसीय जो हमारी व्याख्यान माला है, निश्चित तौर पर हमने प्रत्येक दिन नए नए विषयों को लेके आए और आप सबके सामने उन विषयों पर चर्चा की। पहले दिन हम लोगों ने एक्शन रिसर्च की बात की। मोहित सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमने पहले दिन जिस तरह से एक्शन रिसर्च की बात की है, फिर रिसर्च की बात की है, रिफ्लेक्टिंग जर्नल की बात की है, ये सभी निश्चित तौर पे हमारे जितने विषय हैं शिक्षा संबंधित हैं, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं, सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत लाभकारी हैं हम मानते हैं। जिस तरह से हम एक्शन रिसर्च की चर्चा की थी, रिफ्लेक्टिंग जर्नल की चर्चा की थी, एक जो शिक्षक है उसको निश्चित तौर पे विद्यार्थी की हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों पे, बारीकियों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम किसी भी विषय की बात करें, शिक्षा के कोई भी विषय हैं जो विद्यार्थियों से हमारे जुड़े रहते हैं, हमें उन विषयों की जानकारी होना निश्चित तौर पे बहुत आवश्यक होती है। जिस तरह से आज के विषय की यदि बात कर रहे हैं, नेतृत्व कौशल की बात करेंगे, ये भी एक बहुत उम्दा विषय है, बहुत अच्छा विषय है। इस विषय की जानकारी हम निश्चित तौर पे आज पाएंगे और लगातार हमें इस समय 5 दिवसीय व्याख्यान माला का जो आज चौथा दिन है, यह समय कैसे निकल गया हम लोगों को वाकई में नहीं पता लग पाया। बहुत सुंदर तरीके से और काफी प्रतिभागी बहुत उत्साही होके सभी ने इस व्याख्यान माला में प्रतिभाग किया। हम और जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे, जो वक्तागण थे, उन सबको बहुत ध्यानपूर्वक बहुत अनुशासन के साथ सुना और उन्होंने भी प्रयास किया कि हमारे जो प्रतिभागी जो जुड़े हुए हैं विभिन्न राज्यों से, उनके जो प्रश्न थे, उनके जो संशय थे, उनकी जो जिज्ञासा थी, उनको शांत करने का बहुत प्रयास किया। निश्चित तौर पे आशा है कि आज के भी जो हमारे मुख्य वक्ता हैं उनको सभी प्रतिभागी ध्यानपूर्वक अनुशासन के साथ सुनेंगे और हमारे भी वक्ता जो हैं वो आप सबकी जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर निश्चित तौर पर उनके उत्तर देंगे। हमारे प्रतिभागी लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और मैं एक बार पुनः उन सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं जो हमारे YouTube लिंक से भी जुड़े हुए हैं और हमारे इस Zoom प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। मैं सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं बिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन झुमरी तलैया की ओर से। मैं यूट्यूब के हमारे प्रतिभागियों से कहना चाहूंगा, जब हमारा क्वेश्चन आवर सेशन होता है वहां पे वो अपने प्रश्न दे दें, हमारी टीम वहां से प्रश्नों को ले लेगी और आपके जो भी प्रश्न होंगे हमारे मुख्य वक्ता उन प्रश्नों का उत्तर निश्चित तौर पे देंगे। लगभग 130 प्रतिभागी जुड़ चुके हैं और समय आगे बढ़ रहा है, लगभग कुछ समय और है, बस 5 मिनट हैं हमारे कार्यक्रम के शुरुआत होने में। मोहित सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मोहित सर, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जैसा कि 5 दिवसीय इस व्याख्यान माला का चौथा दिन है, कुछ आप भी अपने विचार रखिए सर। अभी तक जुड़ चुके सभी प्रतिभागियों का ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत। इस 5 दिवसीय व्याख्यान माला में निश्चित तौर पे जो हमारी टेक्निकल टीम है, जो नीरज जी हैं, वो लगातार प्रयासरत रहते हैं और वो अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। लगातार उनके भी सहयोग इतना अधिक है कि वो
पूरी तरह से इसमें लगे पड़े हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं और हमारे बस कुछ ही क्षण है इस कार्यक्रम को शुरू होने में। कृष्णा सर भी जुड़ चुके हैं, सुप्रभात जी सर। हाँ कृष्णा सर, वागी सर, मृदुला मैम, मनीष सर, हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्य जुड़ चुके हैं। कृष्णा सर सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है सर। कृष्णा सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बस कुछ ही क्षण और हैं, हम लोग इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं आज के दिन का एक नए विषय के साथ और एक हमारे नए मुख्य वक्ता के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। सभी को इंतजार है सर इस बात का कि बस चंद को समय आने वाला है जिससे हम लोग सभी लोग लाभान्वित होंगे। लेकिन सर ये 5 दिवसीय हमारी व्याख्यान माला के 4 दिन किस तरह से व्यतीत हो गए लेकिन बिल्कुल पता नहीं लगा। बहुत सुंदर तरीके से हमारे सभी प्रतिभागी लगातार जुड़े रहते हैं हमसे अंत समय तक। जी सर, कहा भी गया है व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, तो हम लोग व्यस्त हैं इस समय इसलिए हम लोग मस्त हैं और मस्त इतने हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चला कि समय कब निकल जा रहा है। बहुत आवश्यक है सर इस COVID-19 का जो समय चल रहा है इस समय हम सब लोग जैसा कि और हमारे डॉक्टर दिनेश सर जुड़ चुके हैं सर। जी सर, जी आज के हमारे मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश सर। सुप्रभात सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। बस मैं देख पा रहा हूँ 10:44 हो चुके हैं, बस 1 मिनट रह गया है हमारे इस कार्यक्रम के शुभारंभ में और हम निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम को बस शुभारंभ करने वाले हैं आज का। जी जी जी। झा सर, शुभ स्वागतम, अभ्यागतम, बहुजन हितम तब स्वागतम। आज के मुख्य वक्ता हमारे डॉक्टर दिनेश, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। Thank you.
सुप्रभात आप सभी प्रतिभागी गणों का और इस मंच से जुड़े हुए तमाम हमारे मित्रगण मीडिया कर्मी सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। समय जैसे कि आप देख रहे हैं कि समय हमारा इस कार्यक्रम का जो निर्धारित समय है हम लोग वहां पहुंच चुके हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के शुरुआत के लिए मैं अपनी इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग चेयर और हमारे कॉलेज की प्राचार्या डॉक्टर संजीता कुमारी मैम से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप मुझे अनुमति प्रदान करें ताकि मैं इस कार्यक्रम की औपचारिकता शुरुआत कर सकूं। जी जा सर, शुरू करें। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। अनुमति मिल चुकी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आइए, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग प्रत्येक दिन हर सत्र की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ करते हैं, अपने विद्या की अधिष्ठात्री माता शारदे को याद करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, उनको श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए करते हैं। तो मैं आज भी इस कार्यक्रम की शुरुआत अपने तकनीकी सहायक नीरज जी से यह अनुरोध करूंगा कि आप एक सरस्वती वंदना ऑनलाइन प्ले कर दें। नीरज जी
बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, आज स्टार्ट में ही हम लोगों को तकनीकी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है, हम लोगों ने सरस्वती वंदना के पहले अंतरा को हम लोगों ने सुन लिए हैं और निसंदेह माँ शारदे की कृपा से हमारे ये कार्यक्रम अपने अंतिम क्षण तक पहुंचेगा। आइए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अपने जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, मैं उनके स्वागत में प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करूंगा कि वो उन्हें ई पुष्प गुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत करें। आदरणीय प्रिंसिपल मैम। महाविद्यालय परिवार की ओर से सब प्रेम इस ई बुके को स्वीकार करें। सर, आपका इस व्याख्यान वाला में बहुत बहुत स्वागत है। सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन के लिए मैं अपने अनुज और प्रभावी वक्ता प्रोफेसर एम के तिवारी सर से निवेदन करूंगा कि आप इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन भी करें और साथ ही साथ आप आज के कार्यक्रम के जो हमारा विषय है उस पर भी थोड़ी सी भूमिका अपना रखें। आदरणीय मोहित सर। थैंक यू झा सर। ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन झुमरी तिलैया कोडरमा झारखंड द्वारा शिक्षा के विभिन्न आयामों पर आयोजित 5 दिवसीय ऑनलाइन व्याख्यान माला के चतुर्थ दिवस पर आज के शीर्षक स्किल ऑफ लीडरशिप पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे आज के ऑनरेबल रिसोर्स पर्सन डॉक्टर दिनेश, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ का ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से, अपने सहकर्मियों की तरफ से, समस्त प्रतिभागियों की ऊर्जा को समेटते हुए हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं अपने निदेशक द्वय ऑनरेबल मनीष कप्तने सर एवं अविनाश तेज सर का भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया का नेतृत्व कर रही अपनी प्राचार्य डॉक्टर संजीता कुमारी का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आयोजन मंडल के समस्त सदस्यों का, अपने सहकर्मियों का, कोऑर्डिनेटर सौरभ जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सीएन झा सर, टेक्निकल सपोर्ट टीम एवं देश के कोने कोने से जूम और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े प्राचार्यों का, संकाय अध्यक्षों का, प्रवक्ताओं का, शोधार्थियों का, विद्यार्थियों का एवं अभिन्न मित्रों का पूरे एहतराम और सम्मान के साथ व्याख्यान माला से चतुर्थ दिवस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार पुनः सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मैं
समस्त प्रतिभागियों को आज के विषय का परिचय कराते हुए बताना चाहूंगा कि स्किल ऑफ लीडरशिप आज के समय में नितांत आवश्यक विषय है। प्रतिस्पर्धा के दौर में जहां हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहता है, वहीं लीडरशिप के आवश्यक स्किल्स की अनदेखी नहीं की जा सकती। अगर हम समूह कार्यों की बात करें या स्कूल कॉलेज की बात करें तो प्रत्येक शिक्षक अपनी कक्षा का नेतृत्व करता होता है। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह खेल हो, राजनीति हो, व्यवसाय हो, सभी जगह आगे बढ़ने के लिए कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं नेतृत्व करने का अवसर मिल ही जाता है, तो ऐसे अवसर पर हम कितने कामयाब होते हैं, किस प्रकार चुनौतियों का सामना करते हैं, इसी से हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क, कोपिंग विथ स्ट्रेस, कोपिंग विथ इमोशंस आदि स्किल्स का पता चलता है। तो आइए आज हम सभी अपने रिसोर्स पर्सन डॉक्टर दिनेश जी से स्किल ऑफ लीडरशिप पर व्याख्यान का रसास्वादन करें। धन्यवाद। ओवर टू झा सर। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित सर। आइए हम इस कार्यक्रम को अपने अगले पड़ाव तक ले जा रहे हैं। अब मैं अपने अनुज सौरभ सर से निवेदन करूंगा कि आज के मुख्य वक्ता, उनका हमें परिचय प्रदान करें सभी प्रतिभागियों के समक्ष। आदरणीय सौरभ सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत सभी को सुप्रभात। आज हमारे 5 दिवसीय व्याख्यान माला के हमारे चौथे दिन उपस्थित सभी जूम ऐप से जुड़े हुए, हमारे यूट्यूब लिंक से जुड़े हुए सभी प्राचार्यों, विभाग अध्यक्षों एवं शोधार्थियों, विद्यार्थियों का मैं गजनी परिवार की ओर से, गजनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से आज एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का विषय, जैसा कि हम सभी जाने, स्किल ऑफ लीडरशिप है। और आज की चर्चा, आज के विषय की चर्चा करने के लिए हमारे मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर दिनेश सर हमारे साथ बीच में उपस्थित हैं। मैं सर का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सर के बारे में बताना चाहूंगा कि सर वर्तमान समय में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वहां पे कार्यरत हैं वर्तमान समय में। और सर एक समाज की महत्वपूर्ण इकाई जो NSS यूनिट है उसके भी कोऑर्डिनेटर हैं वर्तमान समय में। और सर के बारे में जहां तक मुझे जानकारी मिली है, सर ने 100 नहीं 200 नहीं लगभग 1000 लगभग व्याख्यान आज तक दिए हुए हैं। मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि लोगों ने इनको सुना है। और सर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, सर कई सारी सामाजिक गतिविधियों में भी रूबरू रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं सर। और सर के बारे में एक उपलब्धि और भी है, सर को हरियाणा सरकार के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है। आज हम सभी लोग सर को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, सभी उत्साही हैं प्रतिभागीगण हमारे सभी लोग। और हम सभी आज के विषय में सर को सुनेंगे बहुत अनुशासन के साथ और अपने ज्ञानवर्धन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपने कम शब्दों में हमारे आज के मुख्य वक्ता का परिचय करवाया। अब मैं सभी प्रतिभागियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप पूरे सेशन के दौरान अपनी उपस्थिति बनाए रखें। और जैसा कि आप जानते हैं कि अटेंडेंस लिंक और फीडबैक लिंक आपको कार्यक्रम के अंतिम 10 मिनट या 15 मिनट पहले दी जाएगी, तो आप इत्मीनान से अपनी बैठे रहें और सीटिंग अरेंजमेंट सही रखें, अपना गेस्चर पोस्चर सही रखें और साथ ही साथ शांति पूर्वक जो है आप धैर्य पूर्वक इस कार्यक्रम को सुनें और इसका आनंद उठाएं, इसका लाभ उठाएं। अब मैं इस कार्यक्रम को आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर दिनेश जी को मैं सौंप रहा हूं। आइए आज हम उनको सुने स्किल ऑफ लीडरशिप पर। आइए, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप धन्यवाद सौरभ जी, मैडम डॉक्टर संगीता जी, आप सबका, पूरी टीम का, पूरी परिवार की, कि आपने मेरे को मौका दिया कि मैं आप लोगों से और हमारे जो दूसरे साथियों से रूबरू हूँ। जहाँ साहब आवाज अगर दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, क्योंकि तो मैं तो फिर फ्लो में बोलता हूँ, मेरे को पता नहीं। आवाज सर प्रॉपर आ रही है? घर में लगता है कोई बच्चे की आवाज थोड़ी सी आ रही थी शायद, हमारे हमको लगा तो मुझे। बाकी सब आवाज आपकी बहुत अच्छी आ रही है। आज जो विषय पे हम बात कर रहे हैं वो है कि लीडरशिप, वो कौन सी क्वालिटीज हैं, किसी भी संस्थान, चाहे वो
विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, किसी भी संस्थान को चलाने के लिए आपको लीडरशिप की जरूरत होती है, तो वो लीडरशिप में क्या क्वालिटीज, क्या उसमें होना चाहिए, उस पर हम बात करें। और अगर मैं कोविड 19 पेंडेमिक के दौर की बात करूं, तो यहाँ पे हर कुछ बदला, आपका जीने का तरीका, आपका रहन सहन का तरीका, आपका क्लासेस का तरीका, लेकिन जो नहीं बदला वो है आपका लीडरशिप का रोल। तो लीडर्स का, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, मैडम संगीता उसी तरह से शायद आप काम कर रहे हैं जैसे पहले करते थे, तो आपके रोल में कोई चेंज नहीं आया है। तो जो लीडरशिप का रोल है वो उसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं आया है, तो वो एक चैलेंज है कि उस लीडरशिप रोल को कैसे बनाए रखना है, कैसे हम उसको रखेंगे। तो उसमें मैं जो बात करूंगा आपसे कि खासकर हमारा उच्च शिक्षा में नेतृत्व, उच्च शिक्षा में नेतृत्व में क्या हम बात करें, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बात शुरू करता हूं कि किस तरह की लीडरशिप, किस तरह की विजनरी हमें लोग चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय भारत रत्न जी का नाम आप सबने सुना होगा बड़े बड़े इज्जत उसके साथ। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे हमें लीडर्स चाहिए, मैं वो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने देश को BHU के रूप में, जो हमारे बनारस यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो चाहे गरीब परिवार से आए लेकिन अपने विजन से, अपने लीडरशिप से एक अमीर संस्था राष्ट्र को दी। और 2016 में जब उसका शताब्दी साल मनाया गया, तब से मेरे जहन में आया कि क्यों ना उनको याद किया जाए। तो इस तरह के विजनरी लीडरशिप हमें चाहिए। और जो खासकर कि जब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा में नेतृत्व, मेरा मानना यह है उच्च शिक्षा में नेतृत्व उत्तम शिक्षा के लिए होना चाहिए। उच्च शिक्षा हो, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन उच्च शिक्षा के साथ साथ उत्तम शिक्षा हो, इस तरह का नेतृत्व हमें चाहिए। तो जब हम बात कर रहे हैं लीडर्स की, तो मेरे 2-3 सवाल रहेंगे कि लीडर कौन हो, दूसरा लीडर कैसा हो, और तीसरा किसके लिए, किस लिए लीडर हो। लीडर्स कौन हो, कैसा हो, और किसके लिए हो, किस तरह की टीम का वो नेतृत्व करेगा। और टीम का मतलब मेरा TEAM, टीम का मतलब ये है कि टुगेदर, टी मीन्स टुगेदर, ई मीन्स एवरीवन, कैन अचीव, ए मीन्स अचीव, एम मीन्स मोर, टुगेदर एवरीवन कैन अचीव मोर। तो इस तरह का लीडर्स जो जिसमें जो कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज हैं, उन कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग आपसे और हमसे काम करवा सके, सो वी कैन अचीव मोर। टीम जब लीडर होता है टीम का, तो टीम के लिए जो जरूरी है वो 1+1 2 नहीं होता। जब हम टीम की बात करते हैं या लीडरशिप की बात करते हैं, वहां पे 1+1 2 नहीं, 1+1 more than 2 होता है। दैट मीन्स नेटवर्किंग, दैट मीन्स जैसे आपके कॉलेज में प्रिंसिपल मैडम है, तो वो कैसे आपके टीम से वो काम लेते हैं, कैसे उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दैट इज द मेन जो फंक्शन है। क्योंकि कहीं भी, और उसमें हम, मैं बेसिकली 3M की बात करता हूं, जब लीडरशिप की बात करता हूं, 3M क्या है। नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं मैन, आपने जो मैनेज करना है एज अ लीडर, वो किसको करना है, मैनेज मैन। मैनेज मैन मीन्स क्या है, उसमें आपके स्टूडेंट्स भी है, उसमें आपका स्टाफ भी है, उसमें आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, दैट इज मैनेज मैन। सेकेंड एम दैट इज रिलेटेड विद मटीरियल, मटीरियल मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर मटीरियल और दूसरे जो मटीरियल है, हाउ यू कैन मैनेज मटीरियल। और है जो तीसरा है जिसको हम बोलते हैं, उसको मैं कहूंगा मैनेजमेंट। तो 3M है जो लीडर्स के केस में, 1 इज मैन, मटेरियल एंड मैनेजमेंट। लेकिन उन 3M के लिए आपको 3 नए फिर चाहिए हिंदी के, 3 नए क्या है वो, नंबर 1 नीति, नंबर 2 निर्णय, नंबर 3 नियति, जिसको हम विजन मिशन भी बोलते हैं। नीति, निर्णय और नियति। लेकिन उस लीडर्स के लिए फिर आपको 4 जिसको हम कहेंगे
सह चाहिएंगे, एक मिनट। हाँ जी, तो चार तीन न्याय की मैं बात कर रहा था, नीति, निर्णय और नियति, और उसके साथ साथ हमें जिसको मैं कहता हूं लीडरशिप में चार सह हमें चाहिए। चार सह क्या है? नंबर वन आपका समर्पण। समर्पण क्या है? एज अ लीडर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आऊं, जिसको हम समर्पण के साथ में काम करूं। दूसरा सह है सेवा भावना से, ये मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, मेरे लिए पैशन होना चाहिए, उस तरह की सेवा भावना के साथ मैं काम करूं, जहां पे मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए काम करूं, उस तरह की सेवा भावना। अपने मेरे स्टाफ के मेंबर्स हो सकते हैं, जब मैं कॉलेज की बात करता हूं, यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, और अपने मेरे लिए स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो अपने लिए नहीं अपनों के लिए काम करेंगे, जिसको मैं सेवा भावना बोलता हूं। और तीसरा है इसमें, कई चीजें एज अ लीडर हमसे नहीं होगी, देन वी विल टेक द कोऑपरेशन, जिसको हम सहयोग बोलते हैं। तो सहयोग मैं दूंगा भी और सहयोग मैं लूंगा भी, लेना और देना जिसको हम बोलते हैं ना, सहयोग लेंगे जिससे जो हमारे से सीनियर्स हैं, और सहयोग देंगे जो हमारे से जूनियर। तो सहयोग लेना और देना, और इसमें खासकर मैं एक मंत्र यूज करता हूँ अपना बनाया हुआ, उसमें मैं बोलता हूँ एज अ लीडर ये नहीं जाओ करो, नहीं जाओ करो नहीं आओ करें, जाओ करें नहीं जाओ करो, तो मैं बॉस हूँ फिर, बॉस और लीडर में फर्क है, मैं आगे बात करूंगा, मैनेजर क्या होता है, बॉस क्या होता है, लीडर क्या होता है। तो जाओ करो वाली फीलिंग नहीं, आओ करो, दैट मींस आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट टीम। तो लीडर्स की तरफ से वो आए उनको सबको एक। और चौथा है जिसको बड़ा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, हमारा वेद मंत्र है सर्वे भवंतु सुखिना, कि सबकी भलाई, सबका विकास, सबकी भलाई सबका विकास। तो सबकी भलाई सबका विकास का मतलब है कि हम जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं उनके सुख के बारे में सोचें, सुख के बारे में सोचें। तो दैट मींस, तो चार सह है जिसको मैंने कहा, आई रिपीट इट, समर्पण, सेवा, सहयोग, और चौथा है आपका सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, लीडर्स की जिसमें बात कर रहा हूं कि हू कैन, एल ई ए डी ई आर जब हम बात करते हैं, तो मैं सिर्फ आपको समझ आ जाए इसलिए मैं एब्रीवेशन बोल रहा हूँ, कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है कहीं पे देखने लग जाओ या किताब पढ़ो, सिर्फ मेरे जो जहन में आता है उसको मैं बोल रहा हूँ। लीडर मीन्स दोज हू कैन, नंबर वन लीड, एल मीन्स लीड, एंड वर्क, ई मीन्स एफिशियंटली विद अलर्टनेस awareness, and D means dedicated towards work, and E means put all efforts with enthusiasm, efforts and enthusiasm, put all efforts with enthusiasm, and R means ready to take the responsibility for every deed. कुछ गलत हो जाता है उसका जिम्मेवार भी एज अ लीडर मैं हूं, ये नहीं कि दूसरों पर टाल दे, उसको हम लीडर्स नहीं कहते। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, अल्फ्रेड नोबल का आप सबने नाम सुना होगा, जिनके नाम पे नोबल पुरस्कार आपके पांच एरियाज में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट का बिजनेस था उनका, डायनामाइट का काम करते थे, डायनामाइट की फैक्ट्री या उनकी कंपनी थी। तो हुआ क्या कि एक वाक्य हुआ जिससे उस कंपनी में ब्लास्ट हुआ, और उसका भाई जो अल्फ्रेड नोबल का भाई था, उसका नाम ब्रेथ लुमने था, तो वो भाई मारा जाता है उस ब्लास्ट में, जो भी फैक्ट्री में हादसा हुआ। और उसके बाद अगले दिन अखबार में क्या छपता है, लोग सोचते थे ये मतलब डायनामाइट का बिजनेस करता है, तो ये उस अखबार में जो हेडिंग थी उसका मतलब था, जो भी अगर हिंदी भाषा में बताऊं कि मौत के सौदागर की मौत, उनको लगा अल्फ्रेड नोबल मारा गया, जो फैक्ट्री का मालिक था, अल्फ्रेड नोबल मारा गया, उनको लगा प्रेस वालों को, उसका भाई की जगह उन्होंने नोबल को सोच लिया। तो उन्होंने लिखा कि मौत के सौदागर की मौत,
जब हेडलाइन बनी अगले दिन, तो जब नोबेल अल्फ्रेड नोबेल ने पढ़ा तो उनको लगा देखिए कितनी बुरी इमेज है, तो उन्होंने उसी टाइम जितना भी कमाया था, बहुत ज्यादा पैसे कमाए उन्होंने, तो उन्होंने कहा उसका मोर देन 94% ही हैज डोनेटेड। और आज जो नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, जो उनका डोनेशन था 94% उस कंपनी का या जो कमाया हुआ उसके उस दान से चलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं इस घटना दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हूँ और आज से मैं इसको छोड़ता हूँ, और वो नोबेल काम के साथ वो जो आज भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं पांच एरिया में, तो वो उनके पैसे से दान से ही चलते हैं। और मतलब सबसे बड़ा अगर हम कहें दुनिया का प्रतिष्ठित अवार्ड जो है नोबेल अवार्ड अल्फ्रेड नोबेल आफ्टर दिस इवेंट और घटना। तो ये है लीडरशिप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो लीडर्स के साथ मैं कहता हूं जो लैडर बने, लैडर बोलते हैं सीढ़ी, लीडर्स के साथ जो लीडर के साथ साथ लैडर भी बने, और लैडर किसका, आपके संस्थान, आपकी यूनिवर्सिटी, जो भी आपके संस्थान है या यूनिवर्सिटी है उसके लिए लैडर बने, वो उसके लिए विकास की कड़ी बने। ये क्यों जरूरी है, अगर लीडर अच्छा नहीं होगा क्या होगा। मान लीजिए आपके, अब मेरे को नहीं पता, अभी तो मैं सौरभ जी से पूछूंगा कब बुलाएंगे मेरे को, मेरे को पता नहीं है, बुलाएंगे जब देखेंगे, झुमरी तलैया मैं जाऊंगा जब, तो कब वहां कई शहर में आपने देखा होगा क्लॉक टावर होता है, घंटा घर होता है, पता नहीं मेरे को वहां पे है या नहीं, जो मैक्सिमम जगह जो पुराने शहर है, लखनऊ है, हैदराबाद है, इलाहाबाद है, सब में है, तो वहां पे एक घड़ी लगी होती है। अगर वो घड़ी, मैं उस घड़ी की बात कर रहा हूँ, अभी बात करेंगे, तो अगर मेरी घड़ी मेरे हाथ पे बंधी हुई है, अगर वो गलत समय दिखाती है तो मेरे अकेले को अफेक्ट करेगी, मेरे अकेले को प्रभावित करेगी। अगर वही घड़ी मेरे और आपके घर में लगी है दीवार पे, दीवार घड़ी है, वो दीवार घड़ी चार पांच मेंबर, जो भी मेंबर्स है परिवार के, उनको प्रभावित करेगी अगर वो गलत समय दे रही है। अगर वही घड़ी मैडम आपके कॉलेज में है तो 20-50 जो आपके स्टाफ मेंबर हैं उनको प्रभावित करेगी। और अगर मैं कहूं वही घड़ी आपके घंटा घर है या क्लॉक टावर की है, वो सारे शहर को प्रभावित करेगी। सेम विद द लीडर्स, अगर लीडर्स का विजन, अगर लीडर का काम करने का तरीका नहीं ठीक है तो वो पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। तो वो जरूरी है लीडर्स जो है हमारे वो विजनरी हो, उनका कोई ना कोई जो जिसको हम कहते हैं विजन हो, और उसके साथ साथ वो काम करे। बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल्स हैं, मैं उनपे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आपने सारे पढ़े हुए हैं, कि डायरेक्ट लीडरशिप, कोच लीडरशिप, सपोर्ट लीडरशिप, डेलीगेट लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, एफिलिएटिव लीडरशिप, और बेसिकली हम तीन बेसिक जो स्टाइल्स है वो ज्यादा यूज करते हैं। अथॉरिटेटिव जो मैं कह रहा हूँ वही फाइनल है, इसको हम बोलते हैं अथॉरिटेटिव। एक होता है डेमोक्रेटिक, जहाँ पे हम सबको मौका देते हैं, इंक्लूड ऑल, और तीसरा लेजर फेयर, जो चल रहा है वो चलने दीजिए, देखा जाए। तो बेसिकली हम ये मॉडल्स, हम जब लीडरशिप मॉडल्स की बात करते हैं उनपे बात करते हैं, लेकिन किसी भी लीडर्स के लिए जिसको हम कहते हैं 5 values और 7 behavior, 5 values क्या है, दो 5 values आर यू कैन से इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी, पीपल फर्स्ट, एक्सीलेंस, डिसिप्लिन, दीज आर द 5 values, एंड 7 behavior आर सिंप्लिसिटी, क्रिएटिविटी, ब्रेवरी और बियॉन्ड यू, मतलब मैं मेरे से आगे सोचूं, इनसाइट, विजन एंड कल्चर। तो ये हम जनरली बात करते हैं जब हम लीडरशिप की बात करते हैं। नाउ ये तो हुआ टेक्निकल चीजें, उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा। हम मैं सिंपल बात करूंगा आपसे जो आपकी समझ में आ जाए, मेरे अपने तजुर्बे से, मेरे अपने जो सोच है उससे बात करूंगा। तो जब हम लीडर्स की बात करते हैं, मैं एक साथी हमारे जोहर उनको सुन रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि लीडर्स का मतलब कभी ये ना मान ले, हम एक गलत फैमिली भी हम पाल लेते हैं कि लीडर का मतलब सारी समस्याओं का हल उसके पास होगा, ऐसा नहीं होगा। परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज अवर मिस्टेक, हर लिहाज से परफेक्ट नहीं हो सकता, परफेक्ट तो सिर्फ गॉड ही होता है, ठीक है ना। और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है, ऐसा भी एक हम भ्रम पाल लेते हैं। तो दीज आर द सम मिस्टेक्स, बिकॉज भगवान भी कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं और हम तो इंसान है आखिर, तो कहीं ना कहीं जो जिसको मैं कहता हूँ भगवान कैसे करते हैं, 40 दिन बरसात होती है फिर रेनबो आ जाता है, अगर एक ही सिस्टम होता है तो कहीं ना कहीं, तो हम मान के चले
चाहे हम किसी भी लेवल पे लीडरशिप की बात कर रहे हैं कि नो बॉडी कैन सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, कोई भी ऐसा नहीं है जो सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाए चाहे वो किसी भी लेवल पे। हेलो सर। यस प्लीज, यस प्लीज, क्षमा चाहेंगे, एक बच्चे की आवाज आ रही है, उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके ओके, पढ़ने की आवाज आ रही है। आई सर, हेलो, नाउ इट्स ओके सर, आई थिंक नाउ इट्स ओके। यस सर, यस सर। ओके, तो जो मैं बात कर रहा था कि कोई भी लीडर है ये ना मान के चले कि उसके पास सारी समस्याओं का हल होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ आज नहीं तो कल होगा, है ना। एनीवे, तो वो उसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि कैसे जब हम लीडरशिप की बात करते हैं। देखिए, मेरी ये उंगली, सौरभ जी आप मेरे को इंगित करेंगे, मैं आपको इशारा कर रहा हूं झा साहब को, सौरभ जी को, इसका मतलब क्या है आप मेरे को बताएंगे? एक नहीं, एक नहीं, दोबारा मैं आपको ये करना है, किसी को कहना कि आपको ये कार्य करना है। मैडम कुछ कह रहे हैं जी? मैम थ्रिटेन करना मतलब, हाँ मैडम समझ, मैं तुम्हें देख लूंगा सबको, मैंने उंगली से फिर मैं, मैडम मेरे से रास्ता पूछते हैं, मैं कहता मैडम इस रास्ते से जाके इस रास्ते से आप चले जाइए, उंगली में वही यूज कर रहा हूँ, उंगली में वही यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसका पर्पस अब मेरा जो कहने का मतलब कुछ अलग है, डिफरेंट डिफरेंट उंगलियां है। मैडम आप ज्यादा बता पाएंगे, तिलक लगाते हैं हम कौन सी उंगली से लगाते हैं? थंब से। ओके, कई बार हम हवन में अदरवाइज ये, हाँ ये आहुति हम लोग देते हैं सर, तीन फिंगर यूज करके, थंब हो गया, दो फिंगर भी, ओके हाँ, और रिंग फिंगर जो होती है वो डिफरेंट। एनीवे, तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि हम, और जब भी आप मैक्सिमम टाइम, नॉट ऑलवेज बट मैक्सिमम टाइम, व्हेन यू आर यूजिंग योर फिंगर यू विल यूज योर थंब ऑल्सो, जब आप लिखते हैं, जब आप आहुति डाल रहे हैं ना, जब आप मुट्ठी बनाते हैं, जब आप कुछ पकड़ते हैं, दैट मींस मैक्सिमम टाइम यू आर यूजिंग योर फिंगर्स विद द थंब। इसका मतलब क्या है, मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, बिकॉज फाइव फिंगर्स आर, फोर फिंगर्स और फाइव फिंगर्स, दीज ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, क्यों, फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, फंक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन ये जैसे मैंने कहा देख लूंगा के लिए अलग है, रास्ता दिखाने के लिए अलग है, तिलक लगाने के लिए अलग है, आहुति देने के लिए अलग है, तो कहने का मतलब क्या है कि इनके फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं जिसको हम, लेकिन सब में इंपॉर्टेंट है आपका अंगूठा। अंगूठा क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि अब ये छोटी है, ये बड़ी है, ये बीच की है, मझली है, ये उस काम के लिए, उस काम के लिए, वो सबके साथ एडजस्ट हो जाता है, जो अंगूठे का पर्पज है वो सबके साथ एडजस्ट हो जाता है, और उसके साथ साथ जिसको मैं कहता हूं कि मेडिकल में भी ये इंटरनेशनल सर्जिकल प्रोटोकॉल है कि वहां पे अगर आपका थंब इंजर्ड हो जाता है, अगर थंब आपका इंजर्ड हो जाता है तो आपकी किसी ना किसी दूसरी जगह से उंगली का मांस निकाल के उसको बनाया जाता है, क्योंकि वो लीडर है, तो सेम विद द आवर लीडर्स, लीडर कौन है, जो सबके साथ कंपेटेबिलिटी हो, जिसकी जो सबके साथ एडजस्टमेंट उसकी प्रॉपर हो जाए, तो इसलिए हम कहते हैं कि ओपिनियन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूशन में काम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं जो उसका रोल है अंगूठे का वो लीडर की तरह है, तो लीडर कौन है, जो अंगूठे की तरह काम करे, क्यों, क्योंकि मैंने कहा कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बीच का है, कोई आगे है, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, किसी का काम कुछ है, किसी का काम फोर्थ क्लास का है, किसी का फर्स्ट क्लास का है, किसी का स्टूडेंट, दैट मीन्स लीडर वो जो सबके साथ एडजस्ट करे, दैट इज लाइक अ थंब, तो ये हम उसको थंब प्रिंसिपल की बात करते हैं कि हम कैसे इकट्ठे काम कर सकते हैं इकट्ठे, ये है एक तरह से रोल ऑफ लीडर, और ये कब होगा, जब वो लीडर उन सब को एक एनवायरनमेंट दे पाए, किसी भी लीडर के लिए, किसी भी संस्था के लिए
एनवायरमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो एनवायरमेंट नहीं होगा तो हम 100% या ज्यादा उसको दे नहीं पाएंगे. तो जरूरी है आपका एनवायरमेंट. वो किसका काम है? लीडर का काम यही है कि हाउ ही और शी कैन मेक द गुड एनवायरमेंट फॉर अ इंस्टीट्यूशन और यू कैन से जो भी आपकी संस्था कॉलेज व्हाटएवर. तो कहीं ना कहीं क्रिएट एक तो है एनवायरमेंट क्रिएट करना. दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है सौरभ जी और झा साहब आपके प्रिंसिपल कौन है? डॉक्टर संजीता कुमारी. अब संजीता कुमारी को क्यों कह रहे हो आप मैडम को? कोई ट्रस्ट है आपका? जी हाँ. तो विश्वास. तो दूसरी जो चीज है, एक है आपका एनवायरमेंट क्रिएट करेगा, दूसरा आपको विश्वास है कि कोई समस्या आएंगी तो मैडम संजीता देख लेंगे. आपका एक विश्वास है, संस्था का एक विश्वास है, मैनेजमेंट का कह लीजिए, आप लोगों का या विद्यार्थियों का, सबका एक विश्वास है मैडम पे. तो एक लीडर के लिए दूसरी चीज क्या है? फर्स्ट एनवायरमेंट क्रिएट करेगा, दूसरा है वो जो ट्रस्ट, उसकी बात हम करेंगे. तीसरा जो मैंने कहा था कि अंगूठे में सात छोटी बड़ी उंगलियां हैं, सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन. तीसरा जो काम है दैट इज रिस्पेक्ट. आप लोग भी प्रिंसिपल मैडम की और प्रिंसिपल मैडम आपकी. और रिस्पेक्ट का मतलब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं. कई बार ये होता है कि हम झा साहब बहुत काम करते हैं लेकिन मैडम सोचे सारा ही काम उनको दे दे तो बात बनेगी नहीं, है ना. एक कैपेसिटी होती है किसी भी वर्कर की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कुछ लिमिट है, ज्यादा काम कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कि सारा ही काम कर सकते हैं, है ना. तो एज अ लीडर जिसको हम कहते हैं कि जो मैं कह रहा था कि रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या ले रहे हैं, रिस्पेक्ट वो भी है जो मैंने कहा पहले, लेकिन रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ ये भी है कि आपकी किसकी कितनी कैपेसिटी कैपेबिलिटीज वो उसको सहन सकती, उसको जानता हो या जानती. एक मतलब कहीं ना कहीं वो लीडर उस तरह से ना हो जहां पे आप किसी के धैर्य की सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं, वो वाला ना हो. वो मैं कैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ. फर्ज करिए एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या नगर पालिका जिसको आप बोलते हैं शायद, समझ गए होंगे. तो वहां पे एक घोड़ा गाड़ी थी और उस घोड़ा गाड़ी को खींचने के लिए एक घोड़ा था और उस घोड़े पे लगभग 10,000 रुपये महीने का खर्च आता था और वो शहर का कचरा उठा के बाहर डालती थी शहर से, घोड़ा गाड़ी का जो काम था. अब COVID-19 के दौरान, पेंडेमिक के दौरान एक मीटिंग हुई ऑफिसर्स की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के या नगर पालिका के. उन्होंने सोचा यार घोड़े पे 10,000 खर्चा आता है, इसको क्यों ना कम किया जाए, 8,000 कर दिया जाए. उसने वो 8,000 कर दिया, घोड़ा तब भी चला, उसने तब भी गाड़ी को खींचा, चलता रहा. उनको लगा एक महीने बाद यार जब घोड़ा 8,000 में चल सकता है तो इसको दोबारा से रिन्यू करो, इसका जो खाने पीने का जो इसका जिसको हम बोलते हैं खर्चा है वो 5,000. घोड़ा 5,000 में भी चला, धीरे धीरे वो बेचारा कम कर दिया उसका खाना, वो गाड़ी को धीरे 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 खींच के ले जाता. उसके बाद क्या हुआ कि उनकी फिर रिव्यू मीटिंग हुई अगले महीने. उन्होंने कहा यार 5,000 में जब काम चल सकता है तो इससे कम में भी चल सकता है शायद, तो उन्होंने 3,000 कर दिया. धीरे धीरे करते 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 वो 1,000 पे आए और धीरे धीरे 500 पे आ गए. अब उसका परिणाम क्या होगा? भूखा रह के भी खींचता रहा कुछ दिन, लेकिन जब 500 पे आया तो तड़प तड़प के मर गया. तो इसका मतलब क्या है जो मैं कहना चाह रहा था कि किसी की एज अ लीडर हम किसी की सहन शक्ति की परीक्षा ना लें, उसकी कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज को उस तरह नहीं कि जैसे मैं उसको सिंपल वर्ड में कहता हूँ कि जो काम करता है उसको चार काम होते, तो ये कोई तरीका नहीं है. जो काम नहीं करता एक तरह से उसको आप कहते हैं तो निकम्मा ऐसी काम नहीं करता, उसको हम फिर काम नहीं देते. तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम उसकी उसको कैपेबिलिटी सहन शक्ति उसको इतना निचोड़ दे कि वो काम ही ना कर पाए. तो एज अ लीडर ये भी हमारा जिसको हम कहते हैं कि उसको चेक करना या उसको रोल को देखना, ये भी लीडर का काम है. ठीक है, तो रिस्पेक्ट. और एक लीडर का काम है जो डाइवर्सिटी होती है. मैंने पहले कहा था कि झा साहब कुछ काम कर सकते हैं, सौरभ जी कुछ काम कर सकते हैं, चंद्रशेखर जी कुछ काम कर सकते हैं, तो वो डाइवर्सिटी को जो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं वही लीडर है. तो उसी लीडरशिप की मैं बात कर रहा था. और उसके साथ साथ एक और मैं आपको एग्जांपल शायद उससे ज्यादा समझ में आएगा जो डाइवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि जिससे काम, किससे काम, किस तरह का काम, कौन सा काम किससे लिया जा सकता है.
है, कौन किसमें एफिशिएंट है, कैपेबल है और उसमें उसमें कौन कैपेबल उसमें कर सकता है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, बी हाइव। मधुमक्खी के छत्ते में 20-30-50 हजार मधुमक्खियां होती हैं। मतलब इससे अच्छा लीडरशिप का एग्जांपल मैं कहता हूँ, सिंपल एग्जांपल नहीं हो सकता जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ एज अ लीडर, किस तरह से कैसे हम काम करते हैं। तो 25-30 हजार मधुमक्खियों का जो छत्ता है और उस छत्ते में, अब वो काम कैसे करता है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि लीडरशिप के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। उसमें क्या होता है, एक जो हम लीडरशिप में मानते हैं कम्युनिकेशन, मैं जो कह रहा हूं वही आपको समझ आना चाहिए, दैट इज अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। मैं कुछ कह रहा हूं, आप कुछ कर रहे हैं, दैट मींस या तो आप में सुनने में कमी है, मेरे कहने में कमी है तरीके में। तो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले क्या होता है, जो लीडर होता है उसका, रानी मक्खी बोलते हैं उसको, वो जाएगी कहीं जहां पे नेक्टर या शहद या जो जिसको हम फूल के पास पराग वो मिलता है, तो वो चेक करके आएगी और वो क्या करेगी, वो कहीं पे उसको मान लीजिए 500 मीटर पे या 1 किलोमीटर पे फूल मिले हैं जहां से वो शहद को इकट्ठा कर सके, तो वो रानी मक्खी क्या करेगी, वो आएगी देख के वहां मिल गया है तो वो अपने छत्ते या अपने जो घर है उसके पास आएगी और उसके बाद क्या करेगी, जो पूरा छत्ता है उसके आगे डांस करेगी। उस डांस का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इसको कुछ मिला है जो हमारे काम का है, ठीक है ना। तो उसके बाद वो जो लीडर कह लीजिए वो डांस करना शुरू कर देते हैं छत्ते के आगे और फिर वो कम्युनिकेट करता है अपनी लैंग्वेज में सारे छत्ते को कि 500 मीटर पे या 1 किलोमीटर पे या 400 मीटर पे, व्हाटएवर जो एग्जैक्ट डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं ना सिक्स सिग्मा एरर के साथ, जो विदाउट एनी एरर, उस तरह के, मतलब इतनी एक्यूरेसी जो आपका और जीपीएस भी और हमारा जीपीएस भी देख पाता है, इतनी एक्यूरेसी के साथ वो काम करता है। तो वो अपने वे में कम्युनिकेट करती है 400 मीटर पे 500 मीटर पे हमें शहद का भंडार है और उसके लिए 25,000 मधुमक्खियों को जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसने बताया कि यहां से नॉर्थ वेस्ट में या व्हाटएवर डिस्टेंस है 400 मीटर वहां पे हमें शहद का एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्ट डिस्टेंस वो कम्युनिकेट करती है डांसिंग के थ्रू। फिर वो बताएगी हमें 25,000 के जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे 500 मधुमक्खियों को जाने की जरूरत है, 300 को या 1,000 को जाने की जरूरत है, इतना शहद का भंडार है। देन दे विल स्टार्ट द जर्नी, देन देयर जर्नी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो दैट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल परफेक्ट। आपका रास्ता, आपका डिस्टेंस, आपका स्ट्रेंथ कितनी चाहिए आपको, 300 चाहिए या 500 चाहिए, व्हाटएवर, तो वो आपका एग्जैक्ट वो वहां तक, और हर बार वो परफेक्ट जो जिसको हम कहते हैं लेस देन 6 सिग्मा एरर, उसके साथ वो डिस्टेंस तय करती है 300-500 व्हाटएवर जितनी भी जरूरत है, और उसके बाद वो, ये क्यों होता है, मैं ये क्यों सुनाना चाह रहा हूँ, ये कैसे होता है, हाउ इट विल हैपन। नंबर वन वहां पे होती है कम्युनिकेशन की ताकत, कम्युनिकेशन उसने प्रॉपर किया। दूसरा, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो मैंने पहले आपसे रिस्पेक्ट वर्ड यूज किया था, रिस्पेक्ट क्यों है, क्योंकि उसने बताया और उस पे उन्होंने ट्रस्ट किया। रिस्पेक्ट क्या किया, एक सिंगल मधुमक्खी देख के आई थी वो पहले, उसकी डिस्कवरी पे उन्होंने रिस्पेक्ट किया, उसकी डिस्कवरी को रिस्पेक्ट किया या उसको एक्सेप्ट किया और उस पे ट्रस्ट किया, और उसके बाद जो टीम में हमें चाहिए कोऑपरेट किया 300 ने 500 ने व्हाटएवर, नेक्स्ट इज कोऑपरेशन वहां पे, और गाइडेंस जहां पे लीडर की गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस दी रानी मक्खी ने या उस मधुमक्खी ने, उसको सबको गाइड किया कि यहाँ पे मिलेगा ऐसे ऐसे मिलेगा, इतने लोगों की जरूरत है, और इसलिए वो सारी चीजें थी, वहां ट्रस्ट था, वहां रिस्पेक्ट थी, वहां कम्युनिकेशन प्रॉपर था और वहां पे कोऑपरेशन था, इसलिए वो जर्नी हर टाइम परफेक्ट होती है। ठीक है, क्यों परफेक्ट होती है, वहां पे सिंक्रोनाइज देखिए, सिंक्रोनाइजेशन का एग्जांपल है ये, 300 मधुमक्खियां हैं जिनकी 600 आंखें हैं, 300 मधुमक्खियां हैं जिनकी 600 आंखें हैं, 300 ब्रेन्स हैं, सो मच ऑफ सिंक्रोनाइजेशन उसका जो आपका ट्रस्ट है आपका सारे चीजों का, तो
तो दैट रिक्वायर्ड इन एवरी लीडर। ये चीजें हमें हर लीडर में चाहिए जहां पे गलती होने के चांसेस कम होंगे, और इसको हम बोलते हैं दैट इज द पावर ऑफ कलेक्टिव विजडम। इकट्ठा मिलके जब हम सोचते हैं, क्योंकि मैं एक समस्या का हल नहीं सोच सकता, लेकिन जब हम 10 लोग या सारा ग्रुप हमारा कॉलेज परिवार या यूनिवर्सिटी परिवार सोचता है, देन वी कैन गो टू द सॉल्यूशन। तो दैट इज द पावर ऑफ यू कैन से कलेक्टिव विजडम। तो रोल ऑफ लीडर क्या है यहाँ पे, कलेक्ट द विजडम, किसमें क्या कैपेसिटीज है, किसमें क्या कैपेबिलिटीज है, उन कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको काम देना, दैट इज द कलेक्टिव विजडम। तो लीडर का काम क्या होगा, जिसको मैं प्रिंसिपल कह रहा हूँ, वाइस चांसलर कह रहा हूँ, हु विल बी द लीडर, कि जो आपके विजडम को कलेक्ट कर पाए। विजडम कलेक्शन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि हम कहीं ना कहीं उनको जिसमें जो खासियत है उस खासियत के हिसाब से हम उसको सेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लीडर्स। ठीक है, और उसके साथ साथ लीडर्स के लिए मैं कहूंगा कि those who accept the reality, कुछ भी ऐसे नहीं हवा में बात नहीं, accept the reality, accept the challenge, accept the problem, whatever they are, problem हमने accept कर ली, challenge हमने accept कर लिया, then develop the courage, हम इसको कर सकते हैं, मैं इसको कर सकता हूँ, वो लीडर नहीं है, हम कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, मैं और हम में फर्क है यहाँ पे, ठीक है ना, मैं में तो फिर वो ऑटोक्रेटिक आ जाता है, मैं ही करूंगा सब कुछ, मैं ही हूं, तो मैं करती है बकरी कट जाती है, तो मैं नहीं होनी चाहिए, है ना, तो वहां हम भावना आ रही है। और एक लीडर के लिए मैं कहता हूं लुक बैक, व्हाई लुक बैक, टू गेट द एक्सपीरियंसेस, पीछे गलतियां हुई होंगी कुछ आपसे पहले जो यहाँ पे इस कुर्सी पे था, उसके एक्सपीरियंसेस को, उसके पास्ट को, संस्था के पास्ट को, तो लुक बैक, दैट मीन्स लुक बैक व्हाई, बिकॉज टू गेट द एक्सपीरियंसेस। अगेन लुक फॉरवर्ड, Why look forward? Because to see the hope, or you can say to see the possibilities. Look forward, but again look around. Look around means to know the realities. Where is the problem? Where is the lacuna? What are the reasons for these problems or problem? तो उसके लिए हम पीछे देखें, सामने देखें, और हमारे जो जिसको हम कहते हैं लुक अराउंड, वो किस लिए, टू सी द रियलिटी, वास्तविकता क्या है। और उससे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी मानता हूं, लुक विद इन यूर सेल्फ, मेरे में क्या कमियां हैं, मेरे में क्या अच्छाइयां हैं, जिसको हम सॉट एनालिसिस बोलते हैं, तो टू लुक विद इन माई सेल्फ, ये किस लिए, टू गेट द स्ट्रेंथ, टू गेट द स्ट्रेंथ। तो ये है लीडरशिप जिसको हम बोल रहे हैं कि ये चीजें आप में आनी चाहिए, और वही लीडर चाहे वो संस्था हो चाहे राष्ट्र हो, तो कहीं ना कहीं उसको हम कहें वो आगे ले जा सकता है। अब उस संस्था के लिए जरूरी है आप उसकी सुरक्षा भी करेंगे, आप वहां पे संपत्ति जिसको हम मटेरियल बोल रहे हैं उसको भी बढ़ाएंगे, संस्कार जिसको हम वैल्यूज, आपके विजनरी मॉडल जो आप रोल मॉडल होंगे उससे संस्कार भी देंगे, उससे सदाचार भी आएगा, उससे जिसको हम कहें, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें लीडर्स को विजनरी, हमें लीडर को जिसको हम कहें रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अब उस लीडर को रोल मॉडल के रूप में काम करना पड़ेगा, तो ये बड़ा जरूरी है जब हम उस लीडर की बात करते हैं। और एक लीडर मैं मानता हूं जिसको मैं बोलता हूं ड्रेस और एड्रेस। ड्रेस मींस आपका अपीयरेंस, जो आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर, और एड्रेस मींस योर कम्युनिकेशन। मैं आपसे ठीक ठीक बात कर रहा हूं मेरे हिसाब से, अगर मैं यहां पे गालियां दूंगा तो कितनी मल्टीप्लाई हो जाएंगी आप लोग बता नहीं सकते, तो दैट इज, तो उसके लिए ड्रेस और एड्रेस। एड्रेस का मतलब है यहाँ पे कम्युनिकेशन, जो मैं एड्रेस कह रहा हूँ उसको मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है ना। अब जोश और होश इसीलिए बोलते हैं ना, तो जोश क्या होना चाहिए, होश क्या होना चाहिए, क्योंकि लीडर या जो जिसको हम टीचर एक्टर, अच्छा वही होगा जो कम्युनिकेटर अच्छा होगा, है ना। तो एक तरह से दिल को जीतने की शैली जिसको हम कहते हैं अंदाज,
तो जब हम खासकर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं वहां पे कम्युनिकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है, नो डाउट सारी जगह पे है, मैं अकेला ये नहीं कह रहा, लेकिन वो सारी जगह पे है कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट, तो जरूरी है हम उस कम्युनिकेशन के बारे में सोचे। तो उस जिसको हम कहें किसी भी संस्था, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, अगेन मैं लीडरशिप की जब बात करता हूँ तो मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, लीडरशिप मीन्स कॉमन लीडरशिप, तो उसमें जो कम्युनिकेशन पे मैं बार बार इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन बड़ा जिसको हम कहते हैं बड़ा जरूरी है। अब वो कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, और कम्युनिकेशन भी मैं जहां पे कह रहा हूँ कि वहां पे तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैं खासकर भाषा की बात करता हूँ जब, और भाषा के इतने भी मैं अभी बड़ा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी नई आई है उसमें भाषा पे बड़ा जोर है, मातृभाषा। चार मैं मानता हूँ, चार माँ है जो हम मैदे से नहीं, मैदा होता पेट, पेट का सवाल नहीं होता, वहां दिल का सवाल होता है, हमारे दिल से जुड़े होते, जहन से जुड़े होते। चार मैं क्या है, नंबर वन मेरी और आपकी माँ, नंबर टू मेरा और आपका मजहब, नंबर तीन मेरी और आपका मुल्क, और नंबर चार मेरी और आपकी मातृभाषा। तो मेरा मतलब यहाँ मातृभाषा से, अभी बाकी की फिर किसी और चर्चा में करेंगे, ठीक है ना। तो उस लीडर्स में जो हम लीडर्स की बात कर रहे हैं, जो खासकर मैं वाणी की बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, उस कम्युनिकेशन में तीन चीजें बड़े जरूरी है, वो इस्ट होनी चाहिए, मिस्ट होनी चाहिए और सिस्ट होनी चाहिए। इस्ट का मतलब क्या है, जो सबको प्रिय लगती है, मिस्ट का मतलब क्या है, मीठी और मधुर, और सिस्ट का मतलब क्या है, जो व्यवहारशील, जो जो जिस एरिया में हम रहते हैं उसके एरिया के हिसाब से वो फिट बैठती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो अपने उसकी बात करते हैं, एक मैं छोटी सी कहानी बताता हूं आपको कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आवाज आ रही है सर? जी सर बिल्कुल। ओके, कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, एक रोड पे मान लीजिए एक चौराहे पे एक अंधा आदमी बैठा है और वहां से एक राजा का जो है सैनिक गुजरता है, वो दुश्मन के पीछे थे पूरा राजा और उनका जो सारा अमला, प्रशासनिक अमला, तो जब वो उसके दुश्मन के पीछे थे तो सैनिक आता है, उस अंधे आदमी जो चौक पे चौराहे पे बैठा हुआ था उसको कहता है, अंधे तूने यहां से किसी को जाते देखा है दुश्मन को? वो कहता है नहीं देखा। उसके बाद थोड़ी देर बाद सेनापति आता है तो सेनापति कहता है, हे सूरदास तूने यहां से किसी दुश्मन को जाते देखा है? वो कहता है नहीं देखा सेनापति साहब, नहीं देखा। पहले को कहता है सैनिक, हे सैनिक मैंने नहीं देखा। दूसरे को कहता है, हे सेनापति मैंने नहीं देखा। तीसरा राजा आता है, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है, हे भद्र पुरुष क्या आपने यहां से शत्रु को जाते हुए देखा है? वो कहता है, खड़ा हो जाता है, झुक के प्रणाम करता है, राजन प्रणाम, आपका शत्रु आपका दुश्मन इस दिशा से इस इतनी देर पहले गया। तो राजा बड़े आश्चर्य से पूछता है कि मेरे से पहले मेरा सैनिक भी आया, मेरा सेनापति भी आया, उसको तो तुमने बताया तो ऐसे ऐसे बताया, तो मैं ये पूछना चाहता हूं तुमने पहचाना कैसे कि ये मेरा सैनिक है, मेरा सेनापति? तुम मेरे को बता रहे हो कि ऐसे ऐसे आपका सैनिक आया था, ऐसे ऐसे सेनापति आया था, मैंने उनको मना कर दिया और आपको मैं बता रहा हूं, तो तुमने पहचाना कैसे, तुम तो अंधे हो। उसने कहा, राजन आपकी जो भाषा थी, आपका जो बोलने का तरीका था, उससे लगा ये भद्र पुरुष कोई राजा होगा, कोई लीडर होगा, और जो वो दूसरे लोग बोल रहे थे उनके लहजे से लगा कि ये काम करता होगा, ये काम करता होगा। तो कम्युनिकेशन है आपका, बोलने का तरीका है जो आपका, जो आपके जीवन की एक तरह से भाषा क्या है, आपके जीवन की परिभाषा है। आदमी की जुबान जो है वो उसकी औकात बता देती है, उसके औकात का एहसास करा देती है। तो शब्दों में बड़ी जान होती है, लिटरेसी जब हम बात करते हैं ना, कि शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती, इन्हीं से अदार, जिसको अदास, और इन्हीं से अजान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती, अदास, अरदास और अजान होती है। ये ही समुन्दर के वो मोती है जिनसे इंसान की इंसान के रूप में पहचान होती है। तो आदमी का लेवल उसकी भाषा से
जाना जा सकता है। तो कम्युनिकेशन एक लीडर के लिए बड़ा जरूरी है, और उसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन के साथ में जोड़ता हूँ वो पर्सनैलिटी की, जिसकी मैं बात पहले कर चुका हूँ। और पर्सनैलिटी किसकी, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। अभी हमने पिछले दिनों रामायण बहुत सारे लोगों ने, हम छोटे थे तब भी देखे, दोबारा भी देखे। मैं कहता हूँ राम से अच्छा एग्जाम्पल लीडरशिप का हो ही नहीं सकता। अब मैं उसको क्यों कोट कर रहा हूँ, मैं रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, मेरा रिलीजन आपका रिलीजन अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, बिकॉज वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द लीडरशिप रोल ऑफ राम। वो लीडरशिप रोल क्या था मैं आपको बताता हूँ। वो राम जो वेमेन राइट्स की बात करते हैं, शबरी के झूठे बे, शबरी क्या है, जो समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग, उस अहिल्या का उद्धार, महिलाओं का उद्धार, जो वुमेन राइट्स की मैं बात करता हूं, और उसके साथ साथ जो मल्हा केवट, नाव चलाने वाला मल्हा, तो उसकी भी रिस्पेक्ट, उसके साथ साथ जो मैंने कहा भील बानर दूसरे, कहीं ना कहीं, और वो अपने आप को कल्याणकारी राज्य के लिए अपने परिवार का भी त्याग कर। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि मैं रामायण पे फिर अलग लेक्चर होता है वो, तो लीडर शुड बी लाइक अ माउथ। हमारा जो मुंह है ना, उसमें हम क्या करते हैं, खाते हैं पीते हैं, और जहां जहां का होता है वो चीजें वहां पे पहुंचा देते हैं। तो लीडर्स का काम क्या है, जो जिसका ड्यू रिगार्ड है, जो जिसको मिलना चाहिए, जो इक्वेलिटी इक्विटी ये सारी बातें हम करते हैं, तो उन सब की बात हम, जो लीडर वही है कि आपके तक आपकी चीजें पहुंचे। तो कई बार बोलते हैं लोग, जब मैं सोशल सर्विस के एरिया में जब हम काम करते हैं, कहते समाज को बढ़ाने के लिए क्या करें हम लोग। मैंने कहा समाज को बढ़ाने के लिए तुम सिर्फ इतना कर लो कि जो एक दूसरे की टांग खींचते हो उसकी बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींचना शुरू कर दो, समाज और देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो जरूरी है हम टांग खींचने के बजाय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे का हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ने का मतलब एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे का सहयोग करते, क्योंकि लीडर वो है जो आपको, लीडर का मतलब क्या होता है, जो आपको रास्ता दिखाता है। और रास्ता किस तरह से, तीन तरह से रास्ता दिखाता है। नंबर वन, गोदावे नोदावे एंड शोदावे। ये कई देर से वेट कर रहा था छोटा लीडर हमारा, कहते मैं भी बोलूंगा लीडरशिप पे कुछ ना, तो मैंने कहा बोल दे भाई, क्या बोला, तीन क्वालिटी क्या है, गोदावे नोदावे एंड शोदावे। इसका मतलब क्या है, नंबर वन नोदावे, नोदावे मतलब पहले खुद जाने करना क्या, गोदावे उस रास्ते पे फिर चले, एंड शोदावे फिर लोगों को रास्ता दिखाए, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनको रास्ता दिखाए। क्यों माना, माना वो रह गया, बोल चलो बोलो, माना कि तेरे पास खाली ग्लास है, तू थोड़ी सी तो तसल्ली रख कि तू सुराई के पास है। माना कि तेरे पास खाली ग्लास है, लेकिन तू थोड़ी सी तो तसल्ली रख कि तू सुराही के पास है। इसका मतलब क्या है कि उस सुराही क्या है, वो लीडर, प्रॉब्लम कोई भी हो, समस्या चैलेंज कितने भी हो, लेकिन एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है कि वो लीडर है जो हम सब मिलकर के उस लीडर के साथ इस समस्या को हल कर लेंगे। तो लीडर का जो मैं बता रहा था कि नोदावे पहले खुद जाने, गोदावे फिर खुद करे, और शोदावे मतलब फिर वो तीसरों को, दूसरों को रास्ता दिखाए। तो उसमें हमारा, जिसको हम बोलते हैं लीडर्स के लिए, कि जो मैं कह रहा था कि हम साथ साथ चले, मैं करता हूं मैं लीडर, वो नहीं, हम साथ चलेंगे, उसको हम लीडर बोलते हैं। तो लीडरशिप के लिए बड़ा जरूरी है कि हम उन चीजों पे गौर फरमाएं। और लीडर का काम क्या है, एक तरह से जिसको हम कहता हूं कि मेरे अपने इंस्टीट्यूट में, आपके अपने इंस्टीट्यूट में उस तरह का कल्चर डेवलप करें, उसको मैं बोलता हूं WWW कल्चर। WWW आप बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब से अलग है मेरा। WWW का मतलब है वर्क वर्क एंड वर्क, काम काम और काम। वो इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह का जो आपका विजन, इस तरह की लीडरशिप, तो सिर्फ वो आपका कि वो उस तरह का लीडर हो जहां पे, जिसको मैं कहता हूं लहजा, अदब अदा और चाहत बेमिसाल होना चाहिए,
लहजा अदब अदा और चाहत बेमिसाल होना चाहिए, सफलता का शोर ऐसा हो हर तरफ धमाल होना चाहिए, हर मील के पत्थर पर लिखी हुई इबारत ऐसी मिसाल होना चाहिए, ऐसी मिसाल होना चाहिए। तो ऐसी मिसाल होना चाहिए जो लीडर का आपका रोल है, और वो कहीं ना कहीं जिसको हम हर एक जिसको आप कह सकते हो उसकी विल पावर, उसका जो जो अगर सबका साथ हो, तो उस तरह से हम पूरे इंस्टीट्यूशंस के लिए कह रहा हूं कि है हवा तूफान को बता दे बात इतनी सी, है हवा तूफान को बता दे बात इतनी सी, मेरे घर के चिराग को अब बुझना नहीं आता, कि हर एक में उस तरह का कॉन्फिडेंस पैदा कर लीजिए कि मेरे घर के चिराग को बता दे कि मुझे बुझना नहीं आता, आखिर उसी पंछी ने चूम लिया आसमान एक दिन जिसे लोग कहते थे इसे उड़ना नहीं आता, इसे उड़ना नहीं आता। तो वो सपोर्ट आप एज अ लीडर सबको दे पाओ, सबको आगे ले जाने की बात कर पाओ, सबको एक साथ मिलकर के आगे बढ़ाने की बात कर पाओ, उसको हम लीडर कहेंगे। ये नहीं कि आप सिर्फ कुर्सी पे बैठ के और कुर्सी पे फिर दूसरी तरह का, उस कुर्सी पे बैठ के जो रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस प्रोफेशन की, उनको जरूर बरकरार रखना कि अच्छे ओहदों पर, ओहदे का मतलब मेरा यहाँ पे कुर्सी है वो जो लीडर की कुर्सी है, अच्छे ओहदों पर खुद को बैठा लेना कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे ओहदों पर खुद को बैठा लेना, बेशक खूबसूरत लिबास से खुद को सजा लेना, नेक कामों से दौलत कमाना, नेक काम मतलब जो आपकी ड्यूटी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको अच्छे तरीके से, नेक कामों से दौलत कमाना खूब कोई हर्ज नहीं, बस लीडर को कह रहा हूं बस इतनी सी गुजारिश है अपनी असलियत को बचा लेना, अपनी असलियत को बचा लेना। वो असलियत क्या है जो मेरा एज अ लीडर रोल है, उस लीडर एज अ लीडर के रोल को मैं कर पाऊं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक मॉडल का नाम में मेरा अपना बनाया हुआ है, ये प्रेम मॉडल बोलता हूं उसको, PREM। ये प्रेम मॉडल क्या है, पी मींस लीडर वो है जो पॉजिटिव इमोशंस या पॉजिटिविटी के साथ काम करे, पी मींस पॉजिटिविटी। और सकारात्मकता कितनी कैसी, एक मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ, मेरा रोल मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो सकता है, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, उस तरह का मेरा एटीट्यूड, नकारात्मक एटीट्यूड नहीं सकारात्मक एटीट्यूड, कि आपके कंट्रीब्यूशन से कहाँ जा सकता है। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ साझी कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ कोडरमा में या आपके झुमरी तलैया में शहर की जगह पूरा जंगल, और उस जंगल के एक कोने में आग लगती है, दूसरे कोने में खड़ा पेड़ सोचता है मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आग वहां तक भी पहुंचेगी। तो लीडर का काम यह है कि धीरे धीरे जितने प्रॉब्लम्स है उन समस्याओं को एक दूसरे के सहयोग से सुलझाए। तो जंगल में जब भयानक आग लगी, एक छोटी सी चिड़िया पास के तालाब से आकर के चोंच चोंच से अपनी पानी भर के उस आग को बुझा रही थी। लेकिन होता है ऑर्गेनाइजेशन भी जो नेगेटिव लोग होते हैं वो कहते हैं ये तो आपका स्टेप ठीक नहीं है मैडम, ये आपने ठीक नहीं किया, नेगेटिव होंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपना पॉजिटिव काम छोड़ दें। तो जब वो जंगल की आग बुझा रही थी चिड़िया छोटी छोटी चोंच से, एक नकारात्मक कौवा आता है, उसने कहा कौवे भाई मैं मानती हूँ जानती हूँ कि इस चोंच की बूंद से, इस चोंच के जो बूंद है उससे आग नहीं बुझ पाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी जंगल का आग का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आग बुझाने वालों में आएगा। तो एज अ लीडर आपका संस्था के लिए रोल, ठीक है नेगेटिव लोग कहेंगे, लोगों का काम है, वो एक गाना आता था कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना, तो बेकार में ना बीत जाए, रहना नहीं बेकार में ना बीत जाए आपकी जिंदगी, तो उसके लिए संस्था के लिए काम करते। तो फर्स्ट इज योर पॉजिटिविटी, सेकंड आर मींस बड़ा जरूरी है जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, रिलेशनशिप दूसरों के साथ, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कलीग्स हैं, व्हाटएवर मैनेजमेंट है, और आर मींस बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार बने, ई आर, देन ई मींस बड़ा जरूरी है एंगेजमेंट ऑफ ऑल, अकेला लीडर नहीं कर सकता, लीडर के साथ साथ आपको लोगों को एंगेज करना आना चाहिए, एंगेजमेंट, ई आर ई एम, एम मींस मीनिंग ऑफ योर जॉब, ऑफ योर लाइफ, और मीनिंग ऑफ योर यू कैन से पोस्ट, उसका मकसद क्या, आप जिस पोस्ट पे हैं, लीडरशिप के जिस रोल पे हैं, उसका मकसद क्या। तो जरूरी है हम इसको प्रेम मॉडल को एज अ लीडर समझे, जो लीडरशिप में प्रेम को समझना बड़ा, जो प्रेम मॉडल जिसको हम बोलते हैं उसको समझना बड़ा जरूरी। और एक चीज जिसको हम बोलते हैं लीडर में,
कीन ऑब्जर्वर, क्या हो रहा है क्या चल रहा है उसको मैं कि हर जगह पे कैसे हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आसमान पे नहीं होती मैडम, प्रॉब्लम तो वही होती ना इंस्टीट्यूशन में, तो उसके आसपास जो मैंने कहा सीधा रियलिटी, सीधा अराउंड यू टू नो द रियलिटी, तो कीन ऑब्जर्वर सो यू कैन इंप्रूव योर इंस्टीट्यूशन। और एक जो जरूरी मेरी गुजारिश है, एज अ लीडर यू डोंट हैव एनी रिलीजन, मेरे लिए कोई जाति कोई धर्म नहीं है, मेरे जो वर्कर हैं वो मेरे लिए वर्कर हैं, मेरे लिए कलीग्स हैं, मेरे लिए काम करने वाले हैं, उनका जाति धर्म, दैट मीन्स वर्क इन अ टीम, टीम स्पिरिट है, वहां काम ही पूजा है, काम ही कर्म ही मेरा धर्म जिसको हम बोलते हैं। और खासकर लीडर के लिए मेरे से मिलना अपने 11 से 12, 12 से 1 नहीं, खासकर स्टूडेंट्स के पार्ट में कह रहा हूं, एनी टाइम एवरीबडी कम टू मी, मतलब इनसे इन मतलब ठीक है मीटिंग कभी कभी होगी, हर रोज मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग चल रही है उस टाइम तो नहीं आएगा आपसे कोई समस्या, लेकिन आपके मेरा कहने का मतलब आपके दरवाजे, क्योंकि एक होप मैंने कहा था, एक होप होती है, एक ट्रस्ट होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, तो वो लीडर के पास ही आएगा उस समस्या के हल के लिए, तो आपके दरवाजे हर एक के लिए एनी टाइम एवरी टाइम एवरी फॉर एवरीबडी ही और शी कैन कम टू लीडर, कोई टाइम स्लॉट नहीं है, ठीक है ना, स्टूडेंट्स के लिए खासकर मैं कह रहा हूँ। और अगर ठीक है कई बार होता है आप मेल कीजिए, मतलब एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए आपकी मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, और एक एज अ लीडर सबके लिए है, व्हाट वी टीच वी मस्ट प्रैक्टिस, जो मैं कह रहा हूं मन वचन क्रम जिसको हम बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तो उनसे एक सीध में मैं कहता कुछ हूं, करता कुछ हूं, दिखता कुछ हूं, उससे बात नहीं बनेगी, वो फिर आपको एज अ रोल मॉडल लोग फॉलो नहीं करेंगे, तो जो आप सोचते हो वही आप कहते हो और वही आप करते हो। और लीडर के लिए खासकर जो मैं कहता हूं, नो ईगो, ईगो फ्रेंडली नहीं, इको फ्रेंडली हो लीडर, मैं बड़ा हूं, मेरे कमरे में नहीं आना, पूछ के आना है उसके, वो ठीक है, डेकोरेशन डेकोरम ठीक है, अनुशासन ठीक है, लेकिन ईगो नहीं होनी चाहिए। क्लर्क ने दोबारा फाइल कैसे भेज दी मेरे पास, दोबारा भेज सकता है क्लर्क भी अगर गलत है तो, है ना, तो वो उस तरह की मैं ईगो की बात करता हूँ, ईगो फ्रेंडली नहीं, इको फ्रेंडली, अगर गलत है तो क्लर्क मेरे पास दोबारा भेजे कोई बात नहीं, अगर स्टूडेंट ठीक कह रहा तो मैं उसकी बात को एक्सेप्ट करूं या एक्सेप्ट करूंगी, तो वो भावना हमें होनी चाहिए। तो चाहे वो प्रिंसिपल है चाहे वाइस चांसलर, मैं हमेशा कहता हूं ही इज वाइस चांसलर और प्रिंसिपल आफ्टर फर्स्ट ही और शी इज टीचर, तो आपके अंदर का टीचर जिंदा रहना चाहिए, कोई भी जो इस लीडरशिप रोल पे होता है वो टीचर होता है पहले, चाहे वो प्रिंसिपल है चाहे वाइस चांसलर है, तो वो टीचर होता है, तो आपका टीचर का रोल, जो टीचर है, जो अगर आप एज अ टीचर फेल हैं तो आप एज अ लीडर भी फेल होंगे, ठीक है ना। और एक हमारे वाइस चांसलर साथी हैं प्रोफेसर कोहली साहब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में, वो बताते थे कि प्रोफेसर अनुरोध जोशी उनसे शेयर करते थे कि लीडर को वो वर्ड है, और जो लीडर अच्छा नहीं होता उसके लिए हम भी वही वर्ड यूज करते होंगे शायद, अड़ियल नहीं होना चाहिए, घटियल नहीं होना चाहिए, सड़ियल नहीं होना चाहिए, मतलब वो जो नेगेटिव क्वालिटी, इसका कहने का मतलब डोंट बी स्टिकी, मैंने कह दिया बस यही होगा, नहीं, डोंट बी स्टिकी, बी फ्लेक्सिबल, जहां पे तरलता, तरलता के साथ सरलता, मैं कहूंगा फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब तो हिंदी में तरलता होता है, लेकिन सरलता हो ना, तो उस तरह का लीडर हमें चाहिए जिसको सेल्फ अवेयरनेस भी हो, सेल्फ रेगुलेटेड हो, और जिसको मैं कहता हूँ तीसरा एस सेल्फ रेगुलेटरी, वन एस सेल्फ अवेयर, और तीसरा एफ जिसको एस मैं कहता हूँ सिंपैथी, सिंपैथी, और बल्कि उससे भी आगे एम्पैथी, कि मैं दूसरे की जगह अपने आप को रख के देखूं कि उसको ये प्रॉब्लम है, अगर मेरे को होती मेरा रिएक्शन एक्शन क्या होता। और लीडर दोज हु हैव थ्री ए, एक्सेप्ट, एप्रिशिएट एंड एडवाइस, एक्सेप्ट, मेरी गलती है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, आपके आइडियाज अच्छे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, मेरे साथी थे मेरे से कहते सुन तो तू एक बार मेरी बात सुन, मैंने कहा तेरी बात नहीं सुनूंगा, कहते क्यों नहीं सुनेगा, मैंने कहा इसलिए नहीं सुनूंगा क्या पता मेरे से अच्छी बात कह दे और माननी पड़ जाए फिर, है ना, तो एज अ लीडर यू एक्सेप्ट, सेकेंड एप्रिशिएट,
मेरा साथी मेरे से ज्यादा जानता है, मेरे साथी ने कोई अच्छा मेरे को सुझाव दिया है, देन आई मस्ट अप्रिशिएट। एंड थर्ड एडवाइस, मेरे को कुछ पता है तो एज अ मैं उस चेयर पे हूँ, प्रिंसिपल हूँ, वाइस चांसलर हूँ या लीडर हूँ, तो आई कैन एडवाइस। तो तीन ए बड़े जरूरी, और वो तीन ए किसके साथ चलेंगे? विद नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये मेरे धर्म का नहीं है, मेरी जाति का नहीं, मेरे एरिया के नहीं, उस इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन ना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। और ऑनेस्ट, ऑनेस्ट किसमें? खासकर जो लीडरशिप की बात करें, कैरेक्टर में, फाइनेंशियल में और वर्ड्स में। जो मैंने कह दिया वो मैं सही कह रहा हूं, ये नहीं मैं कह कुछ रहा हूं कर कुछ रहा हूं, नहीं। तो आप तीनों रूप में ईमानदार रहें, आप फाइनेंशियल में, करेक्टर में और वर्ड्स में। और आपके जो मैंने पहले कह चुका एक्शन, स्पीच, थॉट, ये मिलना चाहिए। बंद कर दे। और टीम वर्क, जो मैं कह रहा था, टांग नहीं खींचनी, हाथ खींचना है, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ कॉम्पिटिटिव एज। कॉम्पिटिशन एक हद तक जरूरी है, लेकिन जब मैं ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बात करता हूँ, वहां कोऑपरेशन ज्यादा चाहिए आपको। यू नीड मोर कोऑपरेशन एज कम्पेयर विद द कॉम्पिटिशन। कोऑपरेशन क्या और कॉम्पिटिशन में क्या फर्क है? आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, हेयर एंड टर्टोइज की, कछुआ और खरगोश की। उस कहानी में क्या था? वो खरगोश जीत जाता है क्योंकि कछुआ सो गया था। मैडम ऐसा ही था या कुछ और था? हेलो, ऐसा ही था या कुछ और था? एक्चुअली उसमें कछुआ जीत जाता है खरगोश के सोने पे। कछुआ जीत गया था क्योंकि खरगोश सो गया था, है ना? ठीक। हमेशा ही उल्टी सुनाता हूँ स्टोरी को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर खरगोश नहीं सोता फिर कौन जीतता? सर ऑब्वियसली मेरे ख्याल से खरगोश ही जीतता। खरगोश। ये क्या होता है? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कॉम्पिटिटिव एज। अब मेरे को पता है मैडम मेरे से ताकतवर है, मैं इनको सही रास्ते से पीछे नहीं कर सकता, फिर मैं क्या करूंगा? आप कोई ना कोई गलत रास्ता अख्तियार करूंगा। एक स्टूडेंट है वो मेरे से होशियार है, मैं उससे ज्यादा नंबर नहीं ले पा रहा, लेकिन उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं कोई ना चीटिंग का रास्ता या इस तरह के तरीके, क्योंकि मेरा मकसद क्या है? उस कॉम्पिटिशन में उसको नीचे लाना। जब कॉम्पिटिशन हद से ज्यादा बढ़ता है, हम क्या करते हैं? एक दूसरे को नीचे खींचना शुरू करते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपसे ऊपर जाना है, चाहे रास्ता गलत हो चाहे ठीक हो। ठीक उसी स्टोरी में यही हुआ हेयर एंड टर्टोइज में, कि कछुए को पता था कि मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा, इसलिए उसने क्या किया? जब रेस होने लगी, उस रेस से 10 मिनट 15 मिनट पहले उस कछुए ने खरगोश की चाय में कुछ मिला दिया, जिससे उसको नशीला मिला दिया। हंस रहे हो मैडम, ये स्टोरी कहीं पड़ी नहीं होगी आपको, मैं आज पहली बार सुना रहा हूं, यकीन करिए। ये कब होता है? क्योंकि मेरे को पता है आप मेरे से ताकतवर है, मैं आपको पछाड़ नहीं पाऊंगा, तो मैं गलत रास्ता अख्तियार करूंगा। तो जब रेस होती है, उसको चाय में उसने कुछ मिलाया, इसलिए उसको नींद आ गई, क्योंकि मकसद क्या था? इसको पीछे धकेलना। अब चार दिन बाद कछुए की बात खरगोश को पता लगी कि इसने मेरे साथ चीटिंग की। उसने कहा नहीं भाई, दोबारा रेस करेंगे। अब जब दोबारा से रेस होती है, वो कछुआ जो खरगोश है वो कॉन्शियस रहता है और इस बार कुछ नहीं मिलाने देता। तो दोबारा रेस होती है, इस बार खरगोश नहीं सोता, वो खरगोश जीत जाता है। तो ये क्या है? पहली बार खरगोश जीता, फिर पहली बार कछुआ जीता, फिर खरगोश जीता। अब कछुए को लगा इसने मेरे को पछाड़ दिया, मैं इसको हराऊंगा। उसने कहा नहीं भाई, इस बार जो हम रेस करेंगे ना, वो पानी में से करेंगे, तालाब में से करेंगे या स्विमिंग पूल में से करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसको हराना है। रास्ता मेरे तरीका मेरे तरीके का होगा, गलत हो या ठीक हो, जब पानी में से रेस होती है वो कछुआ जीत जाता है। ये क्या हो रहा है? हम एक दूसरे को, जब हद से ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है, हम गलत तरीके से एक दूसरे को पछाड़ते हैं, नीचा दिखाते हैं। फिर वो मैडम संजीता के पास आए, दोनों कछुआ खरगोश। मैडम ने उनको लेसन पढ़ाया और उनको समझ में आ गया। फिर कहते मैडम आपने बहुत पढ़ा दिया, वैल्यूज की बात कर ली, स्किल्स की बात कर ली, लेकिन हम रेस करेंगे इस बार भी, लेकिन रेस इस बार दूसरी तरह की होगी। पहले रेस धरातल से होगी, जमीन से होगी, फिर रेस पानी में से होगी। जब जमीन से रेस होगी, वो जो कछुआ है वो खरगोश की पीठ पे बैठेगा, और जब पानी में से रेस होगी, जो कछुआ है वो खरगोश को पीठ पे बैठाएगा। इसमें क्या होगा? दोनों जीते, दोनों जीते, लेकिन किससे जीते? कोऑपरेशन से जीते। वी नीड कोऑपरेशन। तो एज अ लीडर यू नीड कोऑपरेशन ऑफ ईच टीम मेंबर, यू कैन से। तो कॉम्पिटिशन से ज्यादा जरूरी है कोऑपरेशन। तो क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे की टांग खींचने लग जाते हैं जब हम कॉम्पिटिशन करते हैं, और हद से ज्यादा जब कॉम्पिटिशन होता है हम क्या करते हैं? तो वो हम उस संस्था को या उसको बढ़ा नहीं पाते। याद रखना, लीडर जो है, लीडर हमेशा ही टीम के बेस पे होता है।
अगर टीम नहीं है आपकी तो आप लीडर नहीं हो। धोनी नहीं जीतता था, टीम इंडिया जीतती थी, ठीक है ना। तो टीम जीतती है हमेशा। तो लीडर को एक मतलब जिसको मैं कहता हूँ अहम नहीं होना चाहिए, वहम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको एक विश्वास होना चाहिए कि इस महफिल में जिस शख्स का कद सबसे बड़ा है, कद बड़ा मतलब लीडर है वो, इस महफिल में जिस शख्स का कद सबसे बड़ा है वो शख्स भी किसी और के कंधों पे खड़ा है, वो शख्स भी किसी और के कंधों पे खड़ा है। तो दैट मीन्स वो क्या है, कंधे क्या है, आपकी टीम है, उन टीम के कोऑपरेशन से आप आगे बढ़ोगे। तो टीम वर्क बड़ा इम्पोर्ट है। और एक जो टीम लीडर के लिए मैं कहता हूं उसको हम बोलते हैं आपका जो सोच होनी चाहिए रेक्टिफाइंग द मिस्टेक नॉट पनिशमेंट, गलती को कैसे ठीक करें, वो एक लीडर का मकसद होना चाहिए, ना कि उसको पनिश करना, ठीक है ना। एक मैं आपको स्टोरी साझा कर रहा हूं कि कई बार एज अ लीडर आपको लोग कह देते हो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, आप सुन लेते हो, लेकिन आप विश्वास मत करो, आप अपनी बुद्धि विवेक अपना जो भी निर्णय वो आप अपने उस पर लगाओ, दूसरा कह रहा है उसको नहीं मानो। क्या होता है कई बार रूमर्स या कई बार इस तरह की बात आती है तो आप कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो मैं मेरा कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई ऐसा चलो गलतियां हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, उस टाइम पे आपका एज अ लीडर क्या रोल का रोल है कि उसकी गलती को ठीक करना है, नोट की उसको सजा देनी है। एक स्टोरी मैं सुनाता हूं आपको। एक गधा बना हुआ था, उसको शैतान आता है और वो शैतान उस गधे को खोल जाता है, और वो गधा क्या करता है पास के खेत में चला जाता है, जो फसल लहला रही थी उस सारी फसल को वो खराब कर देता है, सारी फसल को बर्बाद कर देता है। जो गधे का जो किसान की पत्नी ने देखा इसने हमारी सारी फसल को खराब कर दिया, किसान की पत्नी उसको गोली मार देती है, गधे को मार देती है। अब जब गधे के मालिक को बात पता लगी तो गधे का मालिक जो था वो देखा भाई उसने गधे को, गधा मर गया मेरा, इससे मैं कमाता था। और गधे के मालिक ने क्या किया, घर में जा उसको क्या कहते हैं किसान की पत्नी को गोली मार दी जाके। अब किसान के जो किसान था उसको लगा भाई इसने मेरी पत्नी को गोली मार दी, अब किसान ने जाकर के उस गधे के मालिक को गोली मार दी। अब गधे जो किसान की सॉरी गधे के मालिक की पत्नी थी, जो गधे की मालकिन कह लीजिए, तो उसने लगा भाई मेरे इसने गधे को भी मार दिया, मेरे पति को भी मार दिया। उसने अपने दोनों तीनों बेटों को तैयार किया कि जाओ उस किसान के घर में आग लगाया, उसको जिंदा जला दो किसान को। और किस्मत से या जैसे भी वो बच गया किसान, मतलब आग लगी जब वो घर से बाहर था या जो व्हाटएवर बच गया। तब उस बचे हुए किसान ने कहा, उस शैतान से पूछा कि क्या ये जो सब कुछ हुआ ये होना चाहिए था इतना कुछ, ये जो जितने मेरी पत्नी मारी गई, उसका परिवार मारा गया, गधा मारा गया, ये फसल बर्बाद हुई, क्या ये सब चीजें होनी चाहिए थी जो ये हुआ। तब शैतान ने कहा कि मैंने तो सिर्फ गधा खोला था, उसके बाद आप क्या करते गए, एक्ट करते गए, रिएक्ट करते गए, उस पे एक्शन लेते गए, रिएक्शन आता गया आपका और आपने एक दूसरे को बर्बाद कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है एज अ लीडर, देन यू मस्ट थिंक, देन यू कैन गिव योर थॉट, ठीक है ना। तो वो जरूरी है आपके पार्ट पे। और एक जो आप निर्णय ले वो फेयरनेस के साथ, जो मैंने कहा था कि कहीं आपकी बायसनेस ना, फेयरनेस के साथ। और एक पहले हम बात कर ही चुके हैं कोलाब्रेशन, WWW वाला, जो खुद काम करो, वर्क खुद करो, दूसरों से वर्क करवाओ और तीसरों के वर्क कोलाब्रेशन। तो वर्क वर्क वर्क, मैं खुद काम करूंगा, दूसरों से काम करवाऊंगा और तीसरों की मदद लूंगा, दैट इज वर्क WWW कल्चर जिसको मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। और रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मैं कहता हूँ टू वे रिस्पेक्ट। टू वे रिस्पेक्ट क्या होती है, आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैं भी एज अ प्रिंसिपल आपकी रिस्पेक्ट करूं, एज अ प्रिंसिपल एज अ वाइस चांसलर आप मेरी एज अ टीचर भी रिस्पेक्ट करो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं। फौज में आपने देखा होगा, फौज में क्या होता है, जो जूनियर होता है वो सीनियर को सैल्यूट करता है। तो एक बार कुछ जवान काम कर रहे थे और फौजी अफसर आता है, वो फौजी ऑफिसर जब आया तो एक गोरखा सैनिक था, वो किसी काम में इतना मशगूल था कि उसको ध्यान नहीं रहा कि ऑफिसर आया और सैल्यूट करना भूल गया। अब जो ऑफिसर था उसको लगा कि मेरी इसने इंसल्ट की है,
उसने उसको बुलाया और कहा मैं तेरे को सजा दूंगा, क्योंकि फौज में तो यही है, फिर उसने कहा मैं तेरे को सजा देता हूँ, कल जब पीटी परेड होगी ना, सारी जनता वहां पे होगी, तब तू मेरे को 1000 बार सैल्यूट करेगा, तेरी सजा यही है, तूने मेरी बेइज्जती की है। और या वो कहते हैं मैंने जानबूझ, मतलब बोलने का तो है ही नहीं वहां पे फौज में, खैर तो ठीक है, इट्स ही एक्सेप्टेड। तो जब सुबह पीटी ग्राउंड में सारे इकट्ठा हुए, जनरल करियप्पा होते थे उस टाइम पे, मार्शल करियप्पा, तो वो भी थे उस परेड में, तब वो गोरखे जो सैनिक था, गोरखे सैनिक ने शुरू किया सैल्यूट करना 1-2 बार। तब उन्होंने पूछा माजरा क्या है, जनरल करियप्पा ने पूछा कि माजरा क्या है, उन्होंने बताया ये बात है, बोला वेरी गुड, सही सजा दी आपने, उसको सही सजा दी इसकी। लेकिन एक ये भी होता है फौज में, जब आप छोटे रैंक वाला आदमी बड़े रैंक को सैल्यूट कर रहा है, वो भी उसका जवाब सैल्यूट से देता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आप समझ गए होंगे बात को, कि दोनों वे में रिस्पेक्ट, क्योंकि गुड लीडर्स कौन हो, जब गुड फॉलोअर कैसे बनेंगे, जब गुड लीडर्स, तो उसके लिए मैं, आप जितने भी हमारे श्रोता या पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली लेक्चर देने में मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता, मैं वर्कशॉप मोड में करता हूँ, ये एक्टिविटीज बहुत सारी होती है हमारे पास, तो एक्टिविटी बेस में मैं करता हूँ, तो अब मैं करवा नहीं पाऊंगा, लेकिन आप चैट बॉक्स में 30 सेकंड में, हम एक कमांड यूज करते हैं जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज करते हैं कॉपी पेस्ट के लिए, एक हम कमांड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट कमांड, हम वो दबाते हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिखना, मेरे को बोलना नहीं है, चैट बॉक्स में सारे लिखना वो कमांड क्या होती है, 2 की हम दबाते हैं, डैश एंड डैश, तो आप चैट बॉक्स में सबसे अनुरोध है, तो चैट बॉक्स में आप 30 सेकंड में लिखिए। दीपांकर जी को मेरी आवाज सुन रही है, महार ओझा जी को आवाज सुन रही है, बाकी को शायद आवाज नहीं सुन रही, रमा मैडम को भी सुन रही है, निकू पर है प्रिया को भी सुन रही है आवाज, गौरव जी को भी सुन पा रही है, सीमा जैफरी, रचना कुमारी को भी सुन रही है, वर्षा रानी को भी सुन रही है, आसिफ इकबाल जी, रेडमी, इनको भी सुन रही है, बाकी को नहीं सुन रही, प्रियंका कुमारी को भी सुन रही है, ओके, रश्मि शुक्ला को भी सुन रही है, आशा कुमारी, बलबीर, मेधा सिंह, सेनापति, ओके, बहुत अच्छा, मतलब नहीं तो बाकी तो सुनते ही नहीं, बाकी कॉलेजेस में तो सुनते नहीं, इसका मतलब इतने लोग तो सुन रहे हैं, है ना, ये मैं बता सकता था, कंट्रोल भी होता है, सी एंड वी, है ना, एनीवे, थैंक यू, सिर्फ आपको एंगेज करने के लिए था, अदरवाइज उसका कोई पर्पज नहीं था, सिर्फ आपको एंगेज कर पाए इसलिए था, अदरवाइज आपको कमांड पता है, मेरे को पता है बात, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, कंट्रोल वी का मतलब क्या होता है, सी एंड वी, तो मैं ये कह रहा हूं सी वी, आपका सी वी स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब आपको ये कला आ जाएगी। कला क्या है, आप क्या करते हो, कॉपी एंड पेस्ट, ये करते ना कंट्रोल में, कॉपी एंड पेस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, एज अ लीडर आपको ये कला आनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आपको कहीं किसी की अच्छी क्वालिटी दिखे, चाहे वो आपका स्टाफ है, चाहे आपसे छोटा है, जूनियर है, सीनियर है, उस स्टाफ की वो क्वालिटी आप कॉपी पेस्ट कर ले, इसका मतलब ये है यहाँ पे, उस मेरा मतलब आपसे ये था सी एंड वी का। तो जहां भी हमें अच्छा लगे एज अ लीडर वी मस्ट एक्सेप्ट दैट, तो वो है कंट्रोल वी, और उसके साथ साथ वर्सेटाइल परफॉर्मर, आप हर एक मतलब कई फ्रंट पे एक साथ काम कर पाते हैं जब, और वर्सेटाइल परफॉर्मर हम क्या बोलते हैं कि आपको ए प्लान बी प्लान, ये ठीक नहीं तो ये ठीक है, एज अ लीडर आपको वो करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव के पहले जरूर है प्रोएक्टिव, ऐसी समस्या आ सकती है इसलिए मैं ये स्टेप, उसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव, ठीक है ना। तो और उन शब्दों पे जो मैं कहता हूँ ना, मिराकल, फेट, भाग्य, लक, इन पे विश्वास नहीं, ठीक है ना, प्लानिंग, ए प्लान बी प्लान, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, दैट इज प्रोएक्टिव, कभी भी मिराकल, लक पे भरोसा, जो होगा देखा जाएगा, वो उस तरह का लीडर नहीं होता। और एक जिसको मैं कह रहा हूं, जो पहले भी कह रहा था, ट्रस्ट, ट्रस्ट बड़ा जरूरी है आपका अपनी टीम पे और आपकी टीम का आपके ऊपर, ट्रस्ट बड़ा जरूरी है। वो क्यों जरूरी है ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता तो परिवार भी नहीं चलता। मैं एक आपको परिवार का किस्सा सुना रहा हूँ, मेरा नहीं है, किसी और पति पत्नी का, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी दोनों अच्छे हैं हम लोग, मैं किसी और पति पत्नी की बात कर रहा हूँ, हम दोनों अच्छे हैं। आज के जमाने में मैडम अच्छे हो सकते हैं, हंसने की बात नहीं है, आज के जमाने में भी अच्छे हो सकते हैं, एनीवे,
तो पति कहीं से, क्योंकि परिवार में जब आपका ट्रस्ट नहीं होगा तो नहीं चलेगा, तो ट्रस्ट बड़ा जरूरी है। तो परिवार, इसको मैं कॉलेज को बड़ा परिवार कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी को बड़ा परिवार कह रहा हूँ, तो कोई भी परिवार है, चाहे वो आपका घर का परिवार है, चाहे आपके कॉलेज का परिवार है, चाहे यूनिवर्सिटी का परिवार है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का परिवार है, तो वो जब तक नहीं चलेगा जब तक आपका ट्रस्ट नहीं होगा। तो ट्रस्ट बनाए रखना बड़ा जरूरी है। एक हस्बैंड कहीं से आते थे, रोज 6 बजे घर आ जाते थे, लेकिन वो घर नहीं आए, पत्नी को शक था, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि शक नहीं होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, जो भरोसे की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने फोन किया कि कहाँ हो, कहता मैं पहुंच रहा हूँ 20 मिनट में। भाई हर रोज 6 बजे आ जाते थे, अब 7 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आए। दोबारा 20-25 मिनट बाद फोन किया, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ बस। फिर दोबारा तिबारा फोन किया, और बैठे कहीं अपने रेस्टोरेंट में बाहर में। तो तीसरी बार जब फोन किया, कहता मैं जो अपने बगल में मंदिर है ना, जहां तुम जाती हो, तो वहां गया हूँ। पत्नी जहाँ हफ्ते में 6 दिन वहां जाती है पत्नी, उस मंदिर में पति कह रहा है मैं गया हुआ हूँ। कहते ठीक है, कहाँ से हो आप? कहता मैं जो शिवजी वाले मंदिर के, शिवजी की मूर्ति है ना, शिवजी भगवान की, उसके पास हूँ। कहता उसके दाईं साइड में देखो, एक घंटी है बड़ी सी, घंटा लगा हुआ है, वो बजा के दिखाओ। अब मोबाइल ही काटना पड़ेगा, वो घंटा तो कैसे बजाएगा। तो दैट इज यू आर ब्रीचिंग द ट्रस्ट। तो ट्रस्ट होना चाहिए आपका अपने कर्मचारी पे, और आपका अपने आपके कर्मचारियों का आप पे, और उसके साथ आप केयर करें। केयर मतलब उनके सुख का, उनके जो जिसको हम बोलते हैं, हर चीज का आप, जिसको हम, उनके सुख का लिहाज रखें, उनके पद का, उनका सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, ठीक है ना। क्योंकि आपका एज अ लीडर जो पद है, वो सारा आप लीडर हैं उस करके नहीं है, आपकी स्वीकृति में कि आप उनको स्वीकार, उनकी केयर कर रहे हैं। और एक जिसको हम बोलते हैं रेजिलियंस, लचीलापन जिसको हम कहते हैं, और इसको मैं अब एक और वर्ड जिसको मैं यूज करता हूँ, अभी पेंडेमिक में यूज करना शुरू किया, AQ। हम यूज करते हैं SQ, IQ, EQ। एक वर्ड हम यूज करते हैं चैट बॉक्स में, आप 30 सेकंड में लिखा हुआ है, EQ का मतलब क्या होता है? IQ हम इंटेलिजेंस क्वोशेंट बोलते हैं ना, हम एजुकेशन वाले पढ़ते पढ़ाते हैं। SQ इसका मतलब क्या होता है, चैट बॉक्स में आप 30 सेकंड में लिखेंगे सारे लोग। इमोशनल क्वोशेंट, ओके, अमर अग्रवाल जी लिख रहे हैं, रचना कुमारी स्पिरिचुअल क्वोशेंट, ओके। EQ का मतलब इमोशनल क्वोशेंट, और SQ का मतलब स्पिरिचुअल क्वोशेंट, राइट, थैंक यू। अब मैं जो वर्ड दे रहा हूं नया, अब हो सकता है आपको पता है तो आप मीनिंग लिखेंगे, अगर नहीं पता तो देन यू नो लिखेंगे, जानते हैं तो मीनिंग लिखेंगे, और नहीं जानते तो नो लिखेंगे चैट बॉक्स में। AQ इसका मतलब क्या है? SQAQ हो गया, मैं AQ की बात कर रहा हूं। AQ क्या है? ओके, नो, ओके, आर्टिफिशियल क्वोशेंट नहीं होता रचना मैडम, ओके, नो में ही हो आप भी। एनीवे, मैं बता देता हूं आपको, लीडर में होना चाहिए वो, दैट एडवर्सिटी क्वोशेंट। एडवर्सिटी क्या है? सिचुएशन कई बार आपके अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती है, तो उस सिचुएशन में आपने कैसे हैंडल करना है, दैट इज एडवर्सिटी क्वोशेंट। हर असफलता को हम सफलता की सीढ़ी बनाएं, हम थ्रेट में भी अपॉर्चुनिटीज को तलाश करें, तो वो है एडवर्सिटी क्वोशेंट। और उसके साथ साथ पैशन, पैशन, और मैं कहता हूं 4 P होने चाहिए लीडर में। नंबर 1 पैशन होना चाहिए, नंबर 2 पेशेंस होनी चाहिए, नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन होनी चाहिए, और नंबर 4 पॉजिटिविटी, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। 4 P बड़े जरूरी है, पैशन, जुनून, पेशेंस धैर्य जिसको बोलते हो, प्रिपरेशन हर चीज की तैयारी, एंड 4th इज योर पॉजिटिविटी। और उसके साथ साथ जब आपके जिसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग, जो कोलाबरेशन की बात करता, इनोवेटिव, जस्टिस, करेज, लॉयलिटी, फेयरनेस, जो मैंने
आपको राम की स्टोरी सुनाई थी, एथिकल हो सेकुलर हो ना? और एक लीडर के लिए जरूरी है दोज हु कैन वर्क ऑन आस्क मॉडल, ASK. ASK क्या है? आस्क मॉडल इसको बोलता हूं. A means attitudes, S means skills, and K means knowledge. इसको उल्टा शुरू कर दो, knowledge, skills, and attitudes. That is ask model. और हर लीडर इस बात में विश्वास रखे कि किसी भी संस्थान के लिए कायदा नहीं व्यवस्था होनी चाहिए, सूचना नहीं समझ होनी चाहिए, कानून नहीं अनुशासन होना चाहिए, संपर्क नहीं संबंध होना चाहिए. संपर्क में और संबंध में फर्क है. संपर्क क्या है? पानी में तेल डाल दीजिए, उनका संपर्क होगा, संबंध नहीं होगा. संबंध क्या है? जब आप दूध और पानी को मिला देते हो, कौन सा है पता नहीं लगता, दैट इज संबंध. तो संपर्क नहीं जो अलग अलग होता है, संबंध होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. भय नहीं भरोसा होना चाहिए, शोषण नहीं वहां पे पोषण होना चाहिए, और अर्पण नहीं समर्पण भी होना चाहिए किसी भी जिसको हम कहें ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ये बड़ा जरूरी है जब हम लीडर्स की बात करते हैं, लीडरशिप रोल की बात करते हैं. तो 21st century में लीडरशिप की यही क्वालिटी जो मैं आपसे साझी कर पाया कि गुड लीडर गुड फॉलोअर भी है, जो जहां से मिले आपका सीखने वाला हो, और जिसको मैंने कहा ऑनेस्ट कम्युनिकेशन भी होना चाहिए आपका. और बहुत सारी बातें मैंने आपसे एग्जाम्पल के माध्यम से साझी की. और विद दीज वर्ड्स लास्ट एक मैं आपको कहानी बताता हूँ कि लीडर का रोल क्या है. महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं श्री कृष्ण महाराज बड़ा अनर्थ हुआ, बुरा हुआ. श्री कृष्ण महाराज ने कहा ये तो कुछ भी नहीं हुआ, आगे आने वाला जो वक्त होगा वो इससे भी बुरा आएगा. उन्होंने कहा इससे बुरा वक्त कैसे आएगा? उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने, तुम पांचों पांडव अलग अलग डायरेक्शन में जाना, और कुछ जो डे टू डे लाइफ में नहीं देखा हो, मतलब जो कुछ अजीब देखो वो बताना, और फिर उस पर बात हम करेंगे, ठीक है. तो वो पहली दिशा में गए. उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज हमने देखा जो एक हंस था वो मांस खा रहा था, इसका मतलब क्या निकाले? उसने कहा इसका मतलब ये है जो आगे आने वाला समय आएगा वो बड़ा बुरा समय आएगा, जो सज्जन लोग हैं वो अपनी सज्जनता को छोड़ के बुरे कामों पे आ जाएंगे. हंस मांस खाने का मतलब ये. दूसरी डायरेक्शन से जब वो आए, उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज हमने देखा एक घड़ा था पानी का भरा हुआ, और उसके बगल में दो घड़े और थे, तो कायदे से पानी नजदीक वाले उसमें जाता है, अगर गड्ढा है तो उसमें जाएगा फिर आगे जाएगा, तो कायदे से दूसरा जो पास में बीच वाला घड़ा था उसमें जाना चाहिए, लेकिन वो तीसरे में जा रहा था, इसका मतलब हम क्या निकाले? उसने कहा इसका मतलब ये है आगे आने वाला समय ऐसा आएगा जब हम अपने नियर एंड डियर को छोड़ के, नजदीकियों को छोड़ के दूर वालों की ज्यादा परवाह करेंगे. मैडम इनके मोबाइल सबके खुलवा देना, व्हाट्सएप उनमें चेक कर लेना आप कि कितने इन्होंने घर वालों को मैसेज किए, कितने दूर वालों को मैसेज किए. तो इनकी हरकतों का श्री कृष्ण महाराज को पहले से ही पता था. तो नियर एंड डियर की परवाह नहीं करेंगे, दूर वालों की ज्यादा परवाह हम लोग करेंगे. तीसरी डायरेक्शन से जब वो आए, उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज हमने देखा कि बड़े जो एक घड़ा पानी का भरा हुआ था और दो घड़े उसके पास खाली थे, पहले घड़े से पानी जो दोनों घड़ों में आधा आधा करके डाल दिया गया, लेकिन जब दोनों घड़ों से वापस पहले में डाला गया वो पानी 1.5 लीटर कम रहा, इसका मतलब हम क्या निकाले? उसने कहा इसका मतलब ये है कि जो पहला घड़ा हमारे पेरेंट्स हैं वो दो या दो से ज्यादा बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देंगे, लेकिन दो या दो से ज्यादा बच्चे उन माँ बाप की परवाह नहीं करेंगे. तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आजकल यही हो रहा है समाज में. तो ये कोई कहानी ऐसी महाभारत में कहीं नहीं आती, सिर्फ आपको जोड़ने के लिए मैंने बनाई हुई है, अदरवाइज ऐसी कोई कहानी महाभारत में नहीं है. कभी खोजने लग जाओ कहो महाभारत में तो ऐसी पढ़ी नहीं, हमने तो कभी सुनी नहीं. जो चौथी डायरेक्शन है वो सुनने वाली बात है. जब वो चौथी डायरेक्शन से आए, उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज हमने देखा बड़े बड़े पत्थर बड़े बड़े चट्टान पहाड़ थे, और वो छोटे छोटे घास के तिनकों पर रुके हुए थे, टिके हुए थे, इसका मतलब हम क्या निकाले? उसने कहा इसका मतलब ये है आगे आने वाले टाइम में समस्याएं आएंगी, बाधाएं होंगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा, वो समस्याएं क्या है? पहाड़ है, लेकिन वो छोटे छोटे घास के तिनके कुछ और नहीं, हमारे लीडर्स हैं,
जो उस समस्याओं को सुलझाते हैं। तो हमेशा ही उम्मीद लीडर्स पे रही है और हमेशा ही उम्मीद लीडर से रहेगी। तो हम उस लीडरशिप के रोल को अपने जो हम कहते हैं उसको समझें कि एक लीडर का रोल उन समस्याओं को, तो होप सारे के सारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी होप लीडर्स पे ज्यादा होती है। तो वो घास के तिनके कुछ और नहीं है मैडम, वो लीडर्स हैं जिन पे ये सारा का सारा दारमदार होता है और सारा का सारा जो वो समस्याएं सुलझाने की बात करते हैं। तो यही हमारा कहीं ना कहीं एक इस तरह से हमारा जो लीडरशिप को डेवलप करने की बात है वो हमारा रोल एज अ लीडर, हमें दूसरे लोगों को भी तैयार करना है। लीडर का मतलब ये होता है जो दूसरी टीम को भी तैयार करे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम उनको एक भरोसा दे पाए, ठीक है जो आज आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको आप इस तरह से मौका दीजिए कि वो कल के लीडर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे आपके टीचर है, कि एक हृदय ऐसा भी होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक सरोवर ऐसा भी होगा जिसके नीरज हम होंगे, माना उजियाली रातों के टिमटिमाते तारे, अभी उस रोल में नहीं है लेकिन कल लीडरशिप रोल में होंगे, कि माना उजियाली रातों के टिमटिमाते तारे हैं लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा जिसके सूरज हम होंगे, जिसके सूरज हम होंगे। तो हमने एज अ जिसको हम कह रहे हैं लीडर, लीडर्स तैयार भी कर, और तीन एच को बड़ा जरूरी रूप से समझना। वो तीन एच क्या है, नंबर वन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, नंबर टू जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ हिज और हर सब्जेक्ट, जो आपको एरिया जो आपको लीडर्स, जब सब्जेक्ट की बात मैं टीचर्स के साथ कर रहा हूँ और आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, और तीसरा जो सबसे जरूरी है हिज और हर स्टूडेंट, कि लीडर हम किसके कारण से हैं, वो हम टीचर्स किसके कारण से हैं, कि हम कहीं ना कहीं उनके कारण हैं, उन बच्चों को समझना जरूरी है। और एक एटीट्यूड कभी भी नहीं होना चाहिए जिसको मैं बोलता हूँ LKK एटीट्यूड, लोग क्या कहेंगे, LKK एटीट्यूड से डरना नहीं, लोग क्या कहेंगे। मैं तो आज तक उन चार लोगों के बारे में कहते ना, चार लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं तो आज तक ढूंढ रहा हूँ चार लोगों को जो मेरे बारे में सोचते भी, आज कहाँ जमाना इतना है कि आपके बारे में सोचेंगे लोग, अपनी फुर्सत नहीं है लोगों को, है ना। एक एक्टिविटी करके देखिए, आप अपना फोन निकाल लीजिए, जो फोन से नहीं जुड़े हुए हैं, जो फोन के थ्रू मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं, वो फोन पे अपना एक नंबर डायल कीजिए जो आपका खुद का नंबर है, और क्या टोन आ रही है मेरे को बताइए, वो क्या बोल रहा है फोन जब आप अपने आपके नंबर पे डायल करते हो, क्या बोल रहा है मेरे को बता दीजिए, अगर कोई साथी करके बताए तो। क्या बोल रहा है, किसी साथी ने सुना है, जब आप अपना नंबर डायल करते हो क्या बोलता है वो, किसी साथी ने सुना है तो मेरे को बता दीजिए। बीजी 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 ओके, सुजाता मिश्रा बीजी, मृणाली बीजरी, श्वेता सिंह बीजी। अच्छा मैडम ये करना, बाद में जब मेरा लेक्चर खत्म हो जाए फिर ट्राई कर लेना, फिर मेरे को बता देना क्या बोल रहा है, है ना, जब शाम को फ्री हो जब मिला के देख लेना, जब आपके लिए आपको फुर्सत नहीं है तो दूसरों को आपके बारे में सोचने की फुर्सत कहाँ होगी, चार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो एज अ लीडर हमने कभी नहीं सोचना है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, LKK एटीट्यूड, और एक जो बोलते हैं मुझसे नहीं होगा, जो सौरभ सर कर सकते मैं भी कर सकता हूँ, मैडम कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो एज अ लीडर आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो मंजिलें हैं वो इंसान के हौसलों को आजमाती है, सपनों के पर्दों को आंखों से हटाती है, किसी बात की हिम्मत ना हारना, ये ठोकरे हैं जो इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरे जो इंसान को चलना सिखाती है। लीडर्स है, गलतियां होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं ना कहीं उनको उस पर काम करना छोड़ दें, तो जरूरी है हम काम करते रहें, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, चाहे वो लीडर है चाहे फॉलोअर है चाहे टीम है, उन सबका मकसद क्या है कि हमारे संस्था हमारा संस्थान आगे बढ़े। हमारा सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं, हमारा एरिया अलग हो सकता है, हमारा एक्सपीरियंस में हम कम ज्यादा हो सकते हैं, जाति धर्म से कुछ हो सकते हैं, लेकिन हमारा एक ही धर्म एक ही मकसद है कि संस्था और संस्थान आगे कैसे बढ़े, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ जो अलग अलग बैकग्राउंड से है, कोई बात नहीं, कि वन के पंछी अनेको पर ठिकाना एक है, वन के पंछी अनेको पर ठिकाना एक है, सबकी भाषा अलग अलग पर तराना एक है, और यदि दिल में हो उमंग कि हम कमिटेड हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, यदि दिल में हो उमंग सारा जमाना एक है, हम शिकारी भिन्न भिन्न लेकिन निशाना एक है, निशाना क्या है, हमारी संस्था हमारा संस्थान वो ऊपर जाए वो प्रगति करे, यही एक लीडर का और उसके साथ काम करने वाली टीम का एक तरह से मैं कहूंगा अहम रोल है। तो ये चीजें जब तक हमारे
लीडरशिप में नहीं आएंगी तो कहीं ना कहीं फिर हमें सोचना पड़ेगा लीडरशिप रोल में हम कहीं खरे उतर पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे, क्योंकि एक लीडर का रोल तीनों के केस में शिक्षा, शिक्षक और शिक्षित। लीडर का काम है शिक्षा, शिक्षक और शिक्षित। शिक्षा क्या है? हमारा प्रोसेस है। शिक्षक क्या है? जो देता है। शिक्षित क्या है? जिससे को हम तैयार करते हैं। तो लीडर्स को इन तीनों में सामंजस्य है। हम उस शिक्षित को बनाने के लिए कैसे शिक्षा में बदलाव करें, कैसे शिक्षक को हम ट्रेन करें, तो ये भी लीडर का काम है। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू मैडम संगीता और आपकी पूरी टीम का, सौरभ जी का, झा साहब का, और सबसे हमारे मुलाकात गया में जब हम बोधी होटल में थे, हमारे साथी चंद्रशेखर जी का, कि उनकी वजह से मैं आपसे जुड़ पाया। चंद्रशेखर जी का बहुत बहुत आभार। और अब कोई सवाल या सवाल क्वेश्चन है तो हम 5 मिनट ले सकते हैं, उसके बाद क्योंकि अगले प्रोग्राम में 12:30 फिर जुड़ना है, मैंने 10-15 मिनट के लिए हम सवाल जवाब हो सकते कर सकते। तो सर कोई सवाल जवाब जुड़ना घटाना पूछना बताना अगर है तो कोई आप श्रोताओं से पूछ लीजिए, देन वी विल प्रोसीड। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जिस विषय को जिस प्रकार से हमारे बीच में रखा, अपने अनुपम उदाहरणों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कुछ दृष्टांतों के माध्यम से, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भी घटित हो सकती है, हुई भी है, उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिला है और सबको सीखने को मिला होगा। तो आइए हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग शुरू करते हैं। कुछ ऐसे प्रतिभागी हैं यदि वो अपना मौखिक रूप से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। प्रियंका मैडम पूछ रहे हैं, प्रेम में एम का एम था मीनिंग ऑफ, यू कैन से योर लाइफ, मीनिंग ऑफ योर जॉब, जो आपको मकसद पता हो, आप जिस भी रोल में हैं उसका मकसद क्या है। बड़े रोल में कहूँ मीनिंग ऑफ लाइफ, लेकिन छोटे उसको अगर मैं कहूँ तो जो आपकी ड्यूटी है। सर कोई सवाल आपके पास आए हैं तो सवाल अगर आपके पास आए हैं तो हाँ, एक ओनर नाइन लाइट नाम से जुड़े हुए हैं साथी, तो वो पूछ रहे हैं 5 values and 7 behavior। ओके, 5 values and 7 behavior क्या? 5 values जो एक लीडर के लिए, दैट इज इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी, पीपल फर्स्ट, मतलब मेरे लिए जो मेरे साथी वो पहले हैं, एक्सीलेंस एंड डिसिप्लिन, दीज आर 7 behavior वी आर सेइंग अबाउट द सिंपलिसिटी, क्रिएटिविटी, ब्रेवरी, बियॉन्ड यू, अपने से आगे सोचो, इनसाइट विजन, इनसाइट विजन एंड कल्चर, दीज आर द 7 behavior। मनोहर ओझा जी, आपने अपना हाथ रेज किया हुआ था, आप काइंडली, आपको हम यहां से अनम्यूट कर रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट। मनोहर ओझा जी, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लीडरशिप और मैनेजमेंट में सर क्या क्या रिलेशनशिप है? लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या रिलेशन है? लीडर मैनेज करता है चीजों को। यस सर, तो मेरे ख्याल में जो आपका सवाल है उसको मैं, चलो मैं समझ गया आपका सवाल, आप लीडरशिप मैनेजमेंट नहीं, लीडर और मैनेजर में फर्क शायद पूछना, अगर मैं समझ पा, है ना, या कुछ और है? सर एक क्वेश्चन तो ये है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट गलत बोल रहा हूँ मैं, आपको क्लियर कर देता हूँ फिर आपका सवाल रहेगा तो देखते हैं। एक हम यूज करते हैं बोस, मैं दूसरी यूज करता हूँ मैनेजर, मैं यूज कर रहा हूँ लीडर, और एक मैं कह रहा हूँ गुड लीडर, 3-4 टर्म में शायद बोस क्या है, जिसको मैं कहता हूँ ऑर्डर देता हूँ, मैं कहूंगा चुटकी में वो काम हो जाएगा, वो
दैट इज बोस, ठीक है, ओन देता है जो मतलब हम बोस के लिए काम करते हैं, वर्क फॉर द वर्क फॉर देम, और उसको हम आप जो मैनेजर कह रहे हो, मैनेजर है तो उसके कोई ना कोई एम्प्लॉइज भी होंगे, बॉस मैनेजर जब हम यूज करते हैं, मैनेजर कोई एम्प्लॉइज भी, लेकिन क्या है जिसको हम फॉलो करते हैं। अब फॉलो क्यों करते हैं, बिकॉज ही और शी इज इंस्पायरिंग अस, कुछ ना कुछ ऐसा है वो हमें मजबूर नहीं करता, हमें उसकी क्वालिटी या उसका काम करने का तरीका देख के ऐसा लगता है। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, जब हम और आप छोटे थे हमारे टीचर्स, कुछ हमारे जहन में आज तक भी होंगे कि जब हम उनको एज अ रोल मॉडल मान के कि ऐसा बनना है हमें, थोड़े हो सकते हैं, तो वो क्या था, वो आपको इंस्पायर करते थे, वो आपकी और बॉस और मैनेजर करेगा आपको वो करना है बिकॉज यू आर द एम्प्लॉय ऑफ देम, बट लीडर में क्या है, देन यू विल फॉलो हिम और हर बिकॉज दे आर इंस्पायरिंग यू। गुड लीडर क्या है, जो मैंने लास्ट में बोला था, इग्नाइट अ स्पार्क कि वो आपको अपनी तरह बनाना चाहता है। तो ये तो शायद जो आप पहला सवाल पूछना चाह रहे थे उसको आप मैं जो समझ पाया। जी सर, ठीक है आपका, ओके। दूसरा क्या है? थैंक यू सर। दूसरा सवाल सर, दूसरे सवाल का सर आपने आंसर दे दिया था, दूसरा सवाल था लीडरशिप, लीडर और बॉस में क्या डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, वो आपने बता ही दिया। ओके, थैंक यू। और सर एक क्वेश्चन और है, एथिक्स क्या होने चाहिए लीडरशिप में? ये सारे एथिक्स और देखिए दो चीजें होती है, आप जिसको एथिक्स यूज करते हैं कई बार लॉ यूज, कानून वो है, आप अगर चौराहे पे रेड लाइट है, अगर आप जंप करोगे आपको सजा मिलेगी, कानून है। लेकिन रात को ऐसा टाइम था जहां पे ना आपका कैमरा चल रहा था ना कोई पुलिस वाला खड़ा था, अब आप उसको जंप करोगे एथिकली ठीक है या गलत है वो आपकी इनर कॉन्शियस से आता है। लो तो यह है अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपको सजा मिलेगी। एथिक्स क्या होते हैं, जो आपके मतलब इनर कॉन्शियसनेस, क्या गलत है क्या सही है, उसके हम एथिक्स। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। अमर अग्रवाल जी, आप अनम्यूट हो जाएं। अमर अग्रवाल जी, थैंक यू सर। सर हाँ बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने लीडरशिप की क्वालिटीज और लीडरशिप के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सर मेरा एक सवाल है कि अगर आए दिन हम तो किसी ना किसी लीडरशिप के अंडर में काम करते हैं, वी आर स्टिल अ स्टूडेंट और जो भी है, तो सर अगर हमारे लीडर जो है वो सारे इथिक्स जो आपने अभी डिस्क्राइब किए हैं कि इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, अपने आप को सुप्रीम ना दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, वो अपने अंडर जो भी लोग उनके काम कर रहे हैं उनको प्रेज करना चाहिए उनको, और ऐसा फील होता है कभी कभी सर कि जो लीडर्स होते हैं वो अपने अंडर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके सुनते नहीं है, या फिर उनको सेल्फ प्रेज बहुत ही पसंद होता है, या फिर वो कहीं सुनी बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। आपको कह रहा हूं ना, लीडर नहीं है वो, फिर मैंने आपको कहा बॉस होंगे वो, जी सर, है ना, जो आप कॉर्पोरेट में यूज करते हो, मैं उसको लीडर नहीं मानता। लीडर तो सर दिल से जिसको बोलते हैं ना, इज्जत करते हो आप उसकी, बिल्कुल सर, लेकिन सर अगर वो तरीका अच्छा लगता है, अगर सर वो लीडर की पोस्ट पे अभी हैं, तो फिर सर उस सिचुएशन में हम इफेक्टिवली कैसे उनके साथ कोऑपरेट कर सकेंगे, कैसे काम कर सकेंगे, उसके लिए सर क्या जो हम जूनियर्स हैं वो कैसे उस सिचुएशन में डील कर सकते हैं सर, उसके लिए कुछ उपाय बताइए। वो तो मैंने बता, जो आपको तीन चार वर्ड यूज किए थे मैंने, घटियल सड़ियल अड़ियल, तो आप कैसे करोगे वो, तो उसके जो हम मैंने तीन आपको स्टाइल भी बताए थे लीडरशिप पे, जो कॉमनली, वैसे तो बहुत सारे स्टाइल्स हैं नो डाउट, बट कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया था, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक, वो जो जिसकी आप बात कर रहे हो वो ऑटोक्रेटिक में आता, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है बस, तो मैं ऐसा ही करते हैं। डेमोक्रेटिक होता है जो सबको साथ लेकर के चलता है, और लेजर फेयर ये होता है जो ठीक है कर लेगा नहीं करेगा ना करो, वो उस तरह का एटीट्यूड वाला, कैजुअल एटीट्यूड जिसको हम बोलते हैं ना, और बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल है, वो तो उस पर आप पे डिपेंड नहीं करेगा, वो लीडर्स पे डिपेंड करेगा कि किस तरह आपके साथ काम करता है। वो मैं जो आपको बता रहा था वो लीडर्स के लिए बता रहा था कि एज अ लीडर व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है ना। अब वो अच्छा नहीं, सर आपने तो एज अ लीडर हमें हमारे पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, हाँ वो मैंने आपको बताया। हाँ, अब अच्छा नहीं है उसको अच्छा बनाने के लिए आप तो कैसे करोगे ये बताइए, इसी उन करोगे
दैट इज माय क्वेश्चन ओनली सर कि इफ वी आर अंडर सच काइंड ऑफ लीडरशिप जहां पे वो क्वालिटीज वो पोजेस नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में जो है हम इफेक्टिवली कैसे वर्क कर सकते हैं और वो हमारे पास फाउंडेशन है कि वी कैन नॉट चेंज दैट. आप ये देख लीजिए इफेक्टिव लीडरशिप नहीं होगा तो इफेक्टिव वर्क नहीं होगा. वो संस्था या आप इंडिविजुअल भी सफर करोगे उससे. वो तो मैं कह ही रहा हूं पहले कि एक एनवायरनमेंट आपको काम करवाने के लिए काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है. दैट इज द रोल ऑफ अ लीडर. जब तक वो आपका एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा यू कांट यू कैन से डू वंडर. आप उस संस्था के लिए अपने लिए पर्सनली नहीं कर पाओगे. मतलब आपकी पोजीशन वो नहीं कि आप सुधार. जी सर एक आपका रोल नहीं है. यू आर एक ट्रेंडिंग वर्ड सर चल रहा है आजकल नेपोटिज्म. सॉरी जी सर एक ट्रेंडिंग वर्ड आजकल बहुत ही नेपोटिज्म का वर्ड जो है बहुत ही अभी ट्रेंडिंग ट्रेंड में है कि नेपोटिज्म के हिसाब से जो फेवरेट या फिर जो रिलेटेड होते हैं जैसे आपने जातिवाद का नाम लिया धर्म धर्म विशेष का नाम लिया कि उसके माध्यम से लोग जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. तो उस काइंड से अगर कोई जो है किसी को पद देता है क्योंकि पद का होड़ तो लगा हुआ है सब सबको जो है पद की चाह होती है तो जो पद पे होते हैं वही लीडर कहलाते हैं. तो सर जिन अंदर सवाल फिर वही आपका लीडरशिप क्वालिटीज़ को जो भाई भतीजावाद नहीं करता है कैसे रोकेंगे फेवरेटिज्म नेपोटिज्म को भाई भतीजावाद को कैसे रोकेंगे. जिनके पास क्वालिटी होते हुए भी वो लीड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो खुद को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकेंगे. अभी देखिए अब पता नहीं आपने उसमें गो थ्रू हुआ है कि नहीं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी नई उसमें ये है हम लीडर्स को मतलब इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होगा कि लीडर्स का मतलब कि बुढ़ापे में जाके बनेगा. इफ यू हैव द कैपेबिलिटीज देन दे विल आइडेंटिफाई एंड देन दे विल ट्रेन यू फॉर दैट रोल. अभी जो नई पॉलिसी है उसमें प्रोविजन है इस टाइप का. तो अब जो काम नहीं कर रहा वहां भी एक वर्ड अगर आपने पढ़ा हो अकाउंटेबिलिटी. ये नहीं कि आपको ग्रांट मिलती जाएगी आप करते जाओ. नो दैट विल डिपेंड ऑन यूर हाउ यू आर परफॉर्मिंग अकाउंटेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं ना. अब तो कोई नहीं है मतलब सबको जिम्मेवारी का मतलब किसी की जिम्मेवारी नहीं होती है ना. और खासकर सरकारी सिस्टम जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं चलेगा. तो वो भी एक प्रोविजन आ रहा है कि धीरे धीरे हम लीडर्स के लिए यंग एज में स्टार्ट करके एकदम यंग वाला जो फार्मूला हम यूज करते हैं हर उसके लिए. कई बार काउंटर अटैक या काउंटर अटैक जैसे सवाल पूछते मतलब छीटा कसी करती थी खासकर गर्ल्स हॉस्टल में जब हम कैंपेनिंग में जाते थे तो वो हम कहते थे कि कम से कम मोहतरमा तुम ध्यान से सुन तो रहे हो अगर सवाल तो इसका मतलब ध्यान से सुन रहे हो. तो ऐसा नहीं है सवाल पूछोगे जरूरी नहीं मेरे को जवाब आएगा लेकिन आई विल ट्राई. I am discussing with you because sir, आपने जो है बहुत अच्छे से elaborate किया है और बहुत ही practical बातें करी हैं और कहीं ना कहीं से connection feel हुआ कि sir आपके thoughts जो हैं वो मुझे बहुत पसंद आए. That is why मैं अपने दिल से आपसे ये सवाल कर रहा हूँ. सर ऐसा फील होता है कि जो लीडर्स होते हैं उनके डर से जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनके नेगेटिव बातों पर भी जो है सर यस सर करते हैं और जो वहाँ पे कुछ ऐसे करेजियस होते हैं जो उनको अपोज करने की कोशिश करते हैं उनकी बातों को उनको लगता है कि सर ये गलत है तो उस चीज को फॉलो नहीं करते तो उनको वहां पर जो है डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाती है उनको डिस्करेज करने की कोशिश की जाती है. तो उस सिचुएशन में वो अगर लोनली बना वो चमचागिरी कह सकते हो कसीम पर वर्ड है ना. तो अभी अगर मैं अभी क्योंकि मैं हर रोज कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल रहा हूं तो मैं एक जगह पे बोल रहा था हमें यस मिनिस्टर वाले नहीं चाहिए जो यस बॉस बोलते ना. यस मिनिस्टर नहीं यंग मिनिस्टर जो यंग जिसको हम बोलते ना यंग मिनिस्टर्स जो चेंज के लिए काम करें तो उस तरह के लोग हमें चाहिए ठीक ना. तो वो ठीक है आप जो कह रहे हो कि कई जगह पे है और बोल नहीं पाते किसी वजह से. लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई देखो बोलना तो पड़ेगा. अब आप नहीं बोलोगे तो कैसे पता लगेगा दूसरा खराब है. That is the point, sir. लेकिन सपोर्ट जो है आपको सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि सपोर्ट के लिए जो होता है लाइक माइंडेड जो आपके विचारधाराएं कह लीजिए उन लोगों को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा सपोर्ट के लिए भी वो भी है. चलिए हम अगला सवाल लेते हैं संजीव कुमार तिवारी जी. संजीव जी फिर भी सर म्यूट हो जाए. जी अगर किसी का सवाल रह भी जाए आई विल शेयर माय नंबर क्योंकि मैं अभी ज्यादा देर
कर पाऊंगा, एक दो सवाल बस ये लास्ट सवाल ही लेता हूं सर, फिर भी किसी का रह जाता है आई विल शेयर माय नंबर देन दे कैन आस्क मी और दे कैन बस बस सेंड मी थ्रू द व्हाट्सएप वन बस सर लास्ट सवाल बस एक लास्ट सवाल और उसके बाद हम कार्यक्रम को थोड़ा सा 5-10 मिनट रहेगा कुछ औपचारिकता रह जाएंगी। मैं संजीव तिवारी जी, संजीव जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, संजीव तिवारी जी यदि आप हमारी आवाज सुन रहे हैं। हेलो बोलिए संजीव जी बोलिए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी जी, बताइए अपना सवाल पूछे। ठीक है सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जो उसमें डिस्कस किया एम्पैथी, तो मेरे को ये जानना है कि एम्पैथी और सिंपैथी में सर बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, कभी कभी यहाँ थोड़ा सा कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एम्पैथी। पहले अपना अपना उसका बता दीजिए आप कहाँ तक, मतलब आपको क्या लगता है, फिर मैं उससे आगे बात करूंगा। एम्पैथी तो होती है, देखिए मैं बताता हूँ एक सिंपल स्टोरी आपको सुनाता हूँ। किसी के आदमी के आंख नहीं है, किसी के एक अंग नहीं है, है ना, फॉर एग्जाम्पल ये अंधा है बेचारा, ये लंगड़ा है, है ना, इस पे हमें दया करनी चाहिए, इसके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, दिस इज द जिसको आप एम्पैथी वर्ड बोल रहे हो, सॉरी सिंपैथी। एम्पैथी क्या है, आप उसको अपनी जगह, मतलब आप अपने को उसकी जगह रख के देखते हो। एक मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको, उससे जायज़ समझ आएगा। एक पोस्टमैन जाता है किसी के घर, बेल बजाता है और वो बेल बजाने के बाद 10 मिनट बाद दरवाजा खुलता है, और 10 मिनट बाद दरवाजा जब खुलेगा बेल बजाने के बाद, जब मैं और आप किसी के घर जाते हैं और 10 मिनट बाद खुलता है, तो जाहिर है गुस्सा आएगा, अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे संजय कुमार तिवारी साहब के, मैं घर गया हूँ और ये खोल नहीं रहे दरवाजे, आप मेरे घर आए, तो बड़े गुस्से में वो, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है वो लड़की देखती है, वो सॉरी पोस्टमैन देखता है, वो लड़की के दोनों पैर नहीं है और वो किसी तरह मैनेज करके घर में अकेली थी, और किसी तरह मैनेज करके कमरे से वहां तक आने में, उसको बेड से उतरने में या जहां भी वो काम कर रही थी उसको आने में 10 मिनट लगे होंगे। तो डाकिया मनी मन में शर्मिंदा होता है, बड़ा गलत किया, वो तो हुआ एक जिसको हम बोलते हैं कह लीजिए सिंपैथी, कि लड़की के पैर खराब है, बड़ा बुरा हुआ इसके साथ, ये है मैंने गलत सोचा, ये है सिंपैथी। देन वो उस टाइम बात कर रहा हूँ जहां पे साधन ज्यादा नहीं थे डाकिया के पास, डाकिया नंगे पैर, मतलब उसके पास कोई ज्यादा साधन नहीं थे, नंगे पैर फटे कपड़े में आया ऐसे, उस लड़की ने देखा कि डाकिया इतनी धूप में मेरे घर चिट्ठी देने आया है। एनीवे वो बात चली गई, 15-20 दिन बाद दोबारा से कोई डाक आती है और डाकिया को पता था कि उस घर में तो लेट खुलेगा दरवाजा, जब वो दरवाजा खुलता है उसके बाद वो उसका चिट्ठी जो भी थी उसको हैंड ओवर करता है और वो लड़की उसको एक गिफ्ट देती है, और जब वो गिफ्ट देती है एक बॉक्स गिफ्ट बैग में, कहती है अंकल थैंक यू, आप चिट्ठियां पहुंचाते इतने उसमें गर्मी में रो रही है, तो उसको लगा यार मैं इस लड़की के बारे में ऐसा सोच रहा था, इसमें गिफ्ट वाली तो कोई बात नहीं है। तो जब वो गिफ्ट खोलता है उसने देखा उसके साइज के शूज थे, जूते थे, क्योंकि नंगे पैर आता था। अब उसने क्यूरियोसिटी वाइज पूछा कि बेटा ये क्या है, कैसे ये अंकल आप नंगे पैर आते हैं, पांव आपके जलते होंगे, मेरे तो पांव नहीं है लेकिन आपके पैर हैं तो वो जलते होंगे, तो मैंने सोचा कि आपको जूते दे दिए जाए जब आप अगली बार आओ। तो दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ आपको मेरे पैर का साइज कैसे पता लगा, उसने कहा जब आप रेत से गए थे तो मैंने वहां से मेजर कर लिया। तो दैट इज द एम्पैथी, एम्पैथेटिक एटीट्यूड, कि आप जब अपने दूसरे को अपने आप को वहां पे जिसको परानुभूति हम बोलते हैं, ठीक है ना, सहानुभूति या पराभूति हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, तो दैट इज द मेजर डिफरेंस इन दीज टू वर्ड्स। थैंक यू सर, कहानी के द्वारा बताया और क्लियर हुआ सबके लिए, थैंक्स अगेन। आप किसी दूसरे की अपने आप को उसकी सिचुएशन पर रख के देखते हो, खासकर जब मैं लीडर्स के दौर के लिए इसलिए मैं इसको वर्ड को यूज कर रहा था कि वहां पे आपको जरूरी है उसकी सिचुएशन को, उसके सिनेरियो को, उसके बैकग्राउंड को समझना। थैंक यू वेरी मच सर, अब चूंकि आपके पास समय की कमी है तो मैं सभी प्रतिभागियों से माफी भी मांगूंगा, क्योंकि समय की कमी की वजह से हम क्वेश्चन कुछ नहीं ले पा रहे हैं। ये सर ने एक अपना लिंक दे दिया है, अपना मोबाइल नंबर शेयर किया है आपसे, आप कभी भी सर से बात कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं
जी जी बहुत जल्दी हम सर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे इस मुख्य वक्ता जो आज के रहे अपनी बात को बेबाकी तरीके से यहाँ रखा, उन्हें आदर सम्मानित करने के लिए मैं आदरणीय प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करूंगा कि उन्हें ई बुक दे करके सम्मानित करें। आदरणीय प्रिंसिपल मैम। थैंक यू सो मच दिनेश सर, टॉपिक एक्सीलेंटली डिलीवर्ड। प्लीज प्लीज एक्सेप्ट दिस ई मेमेंटो विद वार्म रिगार्ड सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप धन्यवाद ज्ञापित करें आज के कार्यक्रम को। नमस्कार सर। बी ब्रीफ सर, बी ब्रीफ। सर आई ऑडिबल? हाँ यस सर यू आर। जी हाँ जी हाँ। नमस्कार सभी को। जन्मभूमि जिनकी प्रयागराज, जन्मभूमि जिनकी प्रयागराज मिर्जापुर ससुराल है, कर्म भूमि रही बनारस, बाबा विश्वनाथ का निवास स्थान है, ऐसे श्रद्धे भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवी एवं बाबा विश्वनाथ को सादर प्रणाम करते हुए मैं कृष्ण कुमार सिंह सहायक प्राध्यापक ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन झुमरी तिलैया कोडरमा झारखंड इस आभासी व्याख्यान माला में उपस्थित सभी महानुभावों का एक बार पुनः ग्रिजली परिवार की तरफ से स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आपको पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी है मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए उपस्थित हुआ हूँ, तो मैं बारी बारी से सभी का धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ। यदि हमसे कोई त्रुटि हो या गलती हो तो उसको माफ कीजिएगा। कुरुक्षेत्र का नाम सुनते ही मन में महाभारत का दृश्य परिलक्षित होने लगता है। क्या वो स्थान है जहां पर एक ओर रक्त से डूबी हुई भूमि तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण के द्वारा ज्ञान का उपदेश दिया जा रहा था। जी हां, उसी हरियाणा की भूमि और वीर भूमि राजस्थान के किनारे बसा हुआ नरवाना स्थान हमारे मुख्य वक्ता की जन्मभूमि तथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ हरियाणा जिनकी कर्म भूमि है। ऐसे प्रखर वक्ता को कोटिशय धन्यवाद जिन्होंने बड़े ही सहज तरीके से लीडरशिप के बारे में हमें अवगत कराया। सर आपके लिए सिर्फ इतना ही कहना है, सहज है बोली सहज है भाषा, सहज है बोली सहज है भाषा, सहज ही आपका स्वभाव है, सहज है बोली सहज है भाषा, सहज ही आपका स्वभाव है, बड़े सहजता से ही आपने सब समझाया, आपको बारम्बार धन्यवाद है, आपको बारंबार धन्यवाद है। थैंक यू सर। और चंद्रशेखर जी का, मैडम प्रिंसिपल का, धन्यवाद सर, साहब का, और मैं सौरभ जी का बहुत बहुत आभार, माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने दूसरे प्रोग्राम में बुलाया है, इसलिए दिस वर्स थैंक यू। थैंक यू सर। एक लाइन और सुन लीजिएगा सर, आपके उस अनुज के आपके लास्ट सुना रहा हूँ बस, चिरागों को महफूज रखना, बड़ी दूर ही दूर तक रात होगी, हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, मैडम हम भी टीचर है आप भी टीचर है, किसी ना किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, वो झुमरी तलैया के मोड़ की मैं वेट करूंगा, जब ठीक होगा सब कुछ फिर कोशिश करेंगे आपसे रूबरू हो वहां पे आकर के। दिस वर्ड थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक आपके बच्चे के लिए दो लाइनें हैं हमारे पास, छोटी उम्र है छोटा कद है, छोटी उम्र है छोटा कद है, बड़ा ही बेबाक है, अपनी बातों से सबको मोहित कर दिया, बड़ा अच्छा अंदाज है, बड़ा अच्छा अंदाज है, इसलिए हे अनुज सभी प्रतिभागियों की तरफ से आपको आशीर्वाद है, आपको आशीर्वाद है। थोड़ा सा मैंने उलट फेर किया था क्योंकि सर को जाना था, इसके बाद मैं आता हूँ अपने क्रमबद्ध तरीके से। धन्यवाद सर। धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं अपने महाविद्यालय के निदेशक श्रीमान अविनाश सेठ और मनीष कपसी में सर का वही धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिनकी दूरदर्शी एवं पॉजिटिव सोच के कारण ही हमें यह सुविधाएं प्राप्त हो सकी, जिसके कारण हम सभी एकत्रित हो सके। सर के लिए सिर्फ कहना है आपकी क्रियाकलापों का इतना ही अंदाज है, आपकी क्रियाकलापों का इतना ही अंदाज है, हर काम समय पर हो, ये इनके लीडरशिप की पहचान है, आगे
मैं इस व्याख्यान माला की डायरेक्टर सह प्राचार्य गिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन झुमरी तिलैया कोडरमा झारखंड का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। इनके कुशल निर्देशन के कारण व्याख्यान माला का चतुर्थ दिन पूर्ण हो सका। मैम की लीडरशिप पर सिर्फ इतना ही कहना है, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सांवली सूरत मोहनी मूरत, चेहरे पर मुस्कान है, हर काम हम लोगों से करवा ले, हर काम हम लोगों से करवा ले, ऐसा इनका अंदाज है। इसलिए मैडम को कोटि से धन्यवाद। इस व्याख्यान माला के संयोजक कोऑर्डिनेटर कन्वेयर श्री प्रोफेसर सी एन झा सर, प्रोफेसर मोहित सर, प्रोफेसर सौरभ सर, मैं आप लोग का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिनके अथक परिश्रम एवं तत्परता के कारण इस व्याख्यान माला ने अपनी सही दिशा में संचालित हो रही है। इसके लिए आप तीनों को कोटि से धन्यवाद। इस व्याख्यान माला के तकनीकी सहायक मिस्टर नीरज जी, रोहित जी, फिरदौस आलम जी का भी धन्यवाद, जिनकी कड़ी मेहनत के कारण हम एक दूसरे से जुड़े रहे, इसलिए आप लोगों को भी धन्यवाद। इस ऑर्गेनाइज कमेटी के सभी सदस्य डॉक्टर चौधरी प्रेम प्रकाश सिंह प्रकाश सर और मृदुला मैम, प्रोफेसर वागीश सर, अजय गुप्ता सर, मनीष पासवान सर एवं रजनी मैम का भी धन्यवाद, जिनके सहयोग से ये व्याख्यान माला बहुत ही सुंदर तरीके से पूर्ण हो रही है। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं अब उनका धन्यवाद ज्ञापन करने जा रहा हूँ जिनके लिए ये महफिल सजी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने प्रतिभागियों की जो विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए हैं। इनके लिए सिर्फ मेरे पास दो लाइनें हैं और दो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। आप लोगों की श्रवण शक्ति का इतना ही परिणाम है, आप लोगों की श्रवण शक्ति का इतना ही परिणाम है, यह व्याख्यान माला सही से संचालित हो रही, यह व्याख्यान माला सही से संचालित हो रही, इसके लिए आपका सादर धन्यवाद है, आपका सादर धन्यवाद है। और इस व्याख्यान माला को संचालित कराने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिन लोगों का योगदान रहा उनको भी कोटि से धन्यवाद। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आज चलते चलते स्किल ऑफ लीडरशिप को बाय बाय कहते हैं, आज चलते चलते स्किल ऑफ लीडरशिप को बाय बाय कहते हैं। कल सुबह 10:30 पर पुनः केस स्टडी का आगाज करते हैं, केस स्टडी का आगाज करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण सर, आपने बहुत शानदार शब्दों से और सुगठित और सुव्यवस्थित शब्दों से जो एक दूसरे शब्दों को एक दूसरे के साथ संजोया है, पिरोया है, वो अपने आप में एक अद्भुत जो है प्रभाव छोड़ा है इस काम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार और सभी प्रतिभागियों से निवेदन कि कल इसी प्रकार से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, हम लोग फिर पुनः जुड़ेंगे। लेकिन आज इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पूर्व हम लोग राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर हो जाए और उसके पश्चात कार्यक्रम पूर्ण विराम लेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाए। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक बार पुनः आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए सभी प्रतिभागियों का गिरिडीह महाविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर पुनः कल पुनः हम लोग जुड़ेंगे अपने समय से। और याद रखिए कल हमारा अंतिम दिवस है और विषय भी काफी अच्छा है और हमारे एक नए वक्ता प्रोफेसर रमाशंकर पांडे जुड़ेंगे, मध्य प्रदेश
भोज ओपन यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, भोपाल से वो चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।